हेलो नमस्कार और श्यामनी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोंगपा ब्रो में। और आज मैं हूँ अपने गांव में, ये देखिए आप दोस्तों गमसाली। और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है बांपा से नीति वाली रोड पे। और यहाँ पे एक गमसाली का आप नया नवनिर्माणित गेट देख सकते हैं, और ये एक गमसाली का होम स्टे है। और दोस्तों आज मेरे साथ जो गमसाली को एक्सप्लोर करने के लिए हैं वो है गाज़ियाबाद से एक टूरिस्ट जो फैमिली है वो आई है। तो जैसे कि इन्होंने गमसाली को एक्सप्लोर करने की सोची और इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने गमसाली के बारे में मिली वो उन्होंने यूट्यूब से जानकारी हासिल करी। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा गमसाली में, कृपया आप अपना नाम बताएँ। रवि गौतम और गाज़ियाबाद से हूँ मैं। और मुझे मतलब कि छुट्टी तो पड़ी रही थी अभी, प्लस गर्मी भी बहुत है नीचे। आ जी, आ जी। तो हमें ढूंढने हमें ऐसी जगह चाहिए तो थोड़ी अच्छी हो, मतलब ब्यूटी हो वहाँ पर और थोड़ी भीड़ कम हो। और इधर अभी अब अपना माना जाते हैं या किधर जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो हम यूट्यूब पर सर्च कर रहे थे प्लस गूगल सर्च कर रहे थे तो इस वाली जगह के बारे में पता चला। अच्छा, तो आप आए कहाँ से, मतलब कैसे आपको जो ट्रांसपोर्ट था कैसे पता लगा आपको? आप सेल्फ बाइक सेल्फ ट्रांसपोर्ट से आए या काफी घूम चुका हूं थोड़ा बहुत? अच्छा। मतलब कि जैसे लद्दाख का टूर कर चुका हूं दिल्ली से बाय बाय। अच्छा। की और ये तो बाइक से ही आए आप? हाँ, गाज़ियाबाद से यहां तक बाइक से। अच्छा, अच्छा रास्ता है, मतलब कोई परेशानी आई नहीं। अच्छा। पहला स्टे हमने जो गाज़ियाबाद से चले और जो फर्स्ट स्टे किया था हमने श्रीनगर में किया था। अच्छा। श्रीनगर से देन सेकंड डे हम यहाँ पे इवनिंग में पहुंच ही गए थे आराम से। हम काफी आराम से आए, हमने जल्दीबाजी कुछ नहीं किया। अच्छा। बहुत आराम से बाइक चलाई थी, लोग ब्रेक ले लेके देन यहाँ पे आए थे आराम से। गांव के अंदर ही एक आंटी मिल गई थी। अच्छा। उनके घर पर रुके। अच्छा दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमने अमूमन देखा है पिछले 2 सालों से गाँव में लोग घूमते हैं लेकिन अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं अभी उनको ये इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है कि मतलब कैसे गांव को एक्सप्लोर कराना है। और इस कारण क्या है, जो भी टूरिस्ट आते हैं तो वो जो है भटकते रहते हैं गांव में, जबकि ये गांव जो है एक ऐसा गांव है, बिल्कुल बहुत पुराना ये गांव है और ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर स्थित है। और इसी सिलसिले में जो मैं अभी एक यंग गांव का लड़का है, आजा, ये है वासु, और इसे मैं आज अपनी तरफ से कोशिश करूंगा गांव को एक्सप्लोर करने की। और इसमें ये मेरी देखा देखी करके नेक्स्ट टाइम जो है ना ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा। और हम चाह रहे हैं गांव के जो और साथी भी हैं और लड़के हैं वो भी गांव को एक्सप्लोर करने में मदद करें। तो गौतम जी, चलते हैं गमसाली की ओर और एक्सप्लोर करते हैं अपनी नज़र से, आइए। दोस्तों ये है अभी गमसाली का नया गेट जो कि पत्थर और लकड़ी से बन के तैयार हो रहा है। गौतम जी, जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो है ना यहाँ से जो है एंट्रेंस है गांव का, और ये जो है ना पुराना रास्ता है, पहले जो है रास्ता दूसरी तरफ था एंट्रेंस। अभी जब ये रोड बनी है तब से स्टेशन यहाँ पे बना है, तो वैसे तो गाँव जाने का रास्ता ये है लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे ताकि हम जो है आपको खेती भी दिखा सकें यहाँ से और एक अच्छा व्यू भी आ जाएगा। तो आइए गौतम जी। गौतम जी, जैसे आप देख पा रहे हैं ये खेत है गमसाली के, और ये जो यहाँ की मुख्य फसल है वो है राजमा, आलू और मटर। मटर तो यहाँ के इतने मीठे होते हैं, इतने बड़े दाने होते हैं कि आप छिलके के साथ उसको खा सकते हैं, कसम से, वाकई में। और जो है फाफर, और जो कि लोकल वो है आपका क्रॉप है, तो उसको क्या करते हैं जो हम फैलादेव को चढ़ाते हैं जब पूजा हम कोई भी शुरू करते हैं गांव की, तो उस फापर का हम एक वो बनाते हैं, एक प्रतीक स्वरूप बनाते हैं, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। ये गमसाली का एक छोर है जो कि ठीक आईटीवी के ऊपर है, और एक छोर उसके पीछे और एक छोर इसके पीछे पड़ेगा। तो हम धीरे धीरे सबको एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये नहर है,
और जहाँ से इसका स्रोत है वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो जो है ना इस पहाड़ के नीचे से जो है ना एक नेचुरल स्ट्रीम है, वो जो है वहाँ से आ रहा पानी पहाड़ के नीचे से। हाँ ये जो है खेतों के लिए आप देख पा रहे हैं जैसे ना, यहाँ से अभी यहाँ पत्थर लगा देते हो तो यहाँ जो है ना इसमें आ जाएगा। और ये हमारा जैसे कि मैंने बताया गमसाली जो गांव है उसका जो भूमियाल देवता है, भूमियाल देवता बोलते हैं जो गांव का मालिक होता है समझ लो, तो उसका एक मंदिर ये है उच्चा फैला हम बोलते हैं, और एक मंदिर और पीछे है, तो वो हमको आपको जैसे जैसे समय आएगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। अभी गौतम जी हम गांव के इस छोर से शुरू करते हैं, और आपको मैं बताना चाहूँगा जाने से पहले, ये घर जो है ना ये मकान जो है 100 साल लगभग पुराना है, और जो हमारा तिब्बत के साथ व्यापार था उस समय, तो उस समय की जो हमारी कंडीशन थी और जो उस समय जो उन्नति थी आप इस भवन से देख पाएंगे। आइए, वैसे तो इंट्रेंस दूसरी तरफ है, मैं आपको इस छोर से लिया है। ये आप यहीं से देख पाएंगे, आप पत्थरों के साइजेस और वो देखिए सीमेंट का यूज बिल्कुल भी नहीं है, आप नक्काशी देखना शुरू कीजिए, और सारे ये देवदार के इससे बने हैं। ये देखिए शूटिंग में आपको बताऊंगा, इसमें कई सारी शूटिंग हो चुकी है, जैसे योकुलांस है एक उत्तराखंड का एक बैंड है ये पांडवाज करके, उन्होंने कई काफ़ी सारी अपनी जो वीडियोज है ना उनको यहाँ शूट करी है, जैसे आपका योकुलांस है जो गाना है, और उसका एक्टर आपको बता दूं यहीं का है, उससे भी अगर टाइम मिले तो मैं मिलाने की कोशिश करूँगा। तो ये है अभी आप देख पाएंगे, मैं आपको दिखा दूँ, पहले आप पत्थरों पे जाइए, जो ये पत्थर है ना फिनिशिंग ये देखिए, हाँ अब आप लगाइए, लगभग 100 साल पुराना है, तो उस समय ऐसी फिनिशिंग के लिए आप हाथों से ही तो करते होंगे, तो उस समय का जो औजार होते होंगे या उस समय के जो कलाकार हैं तो वो आज के ज़माने में नहीं मिल सकते। अब आप देखिए दूसरा है लकड़, और लकड़ पे नक्काशी आप लगा लिए, 80-90 साल पुराना, उस समय मॉडर्न तरीके के ज़्यादा वो तो रहते नहीं होंगे टूल्स, और जितने भी ये पेड़ है ये जो लकड़ियाँ हैं इससे सारी देवदार की बनी है। जो देखने में लग रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे ये वाली जो जगह जितनी ब्यूटी है ना, तो इतना काम हो रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे गांव के जो किसी प्रधान हो या मेन, जैसे पुराने टाइम में होते थे मेन बंदे होते थे गाँव के बड़े लोग, उनकी जगह लग रही है। ये आपने सही फरमाया, ये जो है ना गाँव के क्या ये पूरी जो घाटी है नीति घाटी उसमें सबसे बड़ा इसको सेठ खोला बोलते हैं इसको, ये मतलब सबसे धनी परिवार है, ये बमपाल परिवार बोलते हैं इसको, इसके इसका नाम है बमपाल खोली, आप बमपाल खोली आप देखिए डिजाइन इनका लकड़ी का, और लकड़ी से भी बेहतर मुझे पत्थर लगे, तो इतने सारे पत्थर और जो है ना इनकी नक्काशी और इनकी सफाई आप देखिए, और इसमें उस समय तक सीमेंट का यूज़ नहीं होता था, इसमें चूने का और उसका उससे बना है। अब आप अंदाज़ा लगाइए इससे कि मतलब उस समय जब तिब्बत के साथ व्यापार था वो कितना समृद्ध था होगा, 62 के बाद जो है ना जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया उसके बाद हमारा जो ट्रेड है वो बंद हो गया। अब गौतम जी को बताना चाहूँगा ट्रेड के बारे में, हमारा उस समय जो ट्रेड था तो हम लोग क्या हमारे जो दादा परदादा क्या करते थे, कोटद्वार रामनगर और ये सारे स्टेशन थे, 2-3 दादा हमारे वहाँ रहते थे, 2-3 दादा गौचर जो एक लगभग रुद्रप्रयाग में पड़ता है वहाँ रहते थे, 2-3 दादा हमारा जो नीचे 6 महीने वाला गांव है चमोली में वहाँ रहते थे, और कुछ यहाँ जब हम मई के महीने में आते थे ऊपर तो उस समय जो है ना यहाँ पहले खेतीबाड़ी करके सारा उसके बाद तिब्बत की ओर जाते थे, जब तिब्बत की ओर जाना होता था तो रामनगर कोटद्वार से जो यहाँ से हम सामान लेके जाते थे वो होता था आपका कपड़ा बनियान, दूसरा आपका ये गुड़,
और तंबाकू, ये चीज़ें हम लेके जाते थे। और जब तिब्बत से हम लेके आते थे अक्टूबर महीने में, लास्ट अक्टूबर महीने में नीचे आते थे हमारे दादा परदादा सामान लेके, वहाँ से होता था सुहागा आपका नमक, नमक के ये जो है ना एक दो कमरे इनके नमक के बताते हैं, अभी भी भरे पड़े हैं। तो नमक का वहाँ पे पहाड़ है और चांदी का जो है ना वहाँ खान है, तो चांदी के सिक्के से वो होता था, तो वस्तु विनिमय था एक प्रकार से। और यहाँ से बॉर्डर जो है ना उस समय काफ़ी टफ रास्ता था, जो भी ट्रांसपोर्ट के साधन थे वो थे हमारे घोड़े और बकरे, जो पहाड़ी बकरे होते थे लगभग 40-40 किलो के रहते थे, काफ़ी इतने बड़े। तो हाँ, बकरे के ऊपर जो जैसे आप घोड़े के ऊपर लाते हैं ना, वैसे ही बकरे के ऊपर जो है ना 5-5, 10-10 किलो के लेफ्ट राइट, उसको हम लोकल बोली में करका बोलते हैं। अब आप देखिए जो है ना, ये जो है आप यहाँ से गिनिए, 1, 2, 3, 4 चार बाहर हैं, चार पीछे अंदर, तो कितने हो गए 8, ऐसे 8 ऊपर 16। आप यहाँ पे आइए, 1, 2, 3, 4, 16 इतने पीछे, इसके पीछे है क्या? हाँ, इसके भैया सिंगल है, ये हो गए 16 और ये हो गया आपका 4, 16, 4, 20। अब आप देखिए 1, 2, 3, 4 चार पीछे 8, 8 × 16 36। अब 1, 2, 3 मतलब 39 कमरे इस पे, तो ये लगभग 70-80 साल हो गए। अभी मैं ऊपर तो जा नहीं पाऊंगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है उस पर ना, आप अगर यहाँ से देख पाओगे, मैं अपने जो हमारा घर है ना उसमें लिखा हुआ है, मैं उसमें दिखा दूंगा। हाँ, लिखा हुआ है, तो ऊपर से अभी ये आजकल है नहीं ना, इन्होंने लॉक किया हुआ है, नहीं तो ऊपर चढ़ के आपको दिख जाएगा ये वाली जगह। तो ये वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन जैसे टूरिस्ट आते हैं हाँ, उन्हें ऐसी जगह में रुकना काफी पसंद आएगा। हाँ, लेकिन थोड़ी सी बुनियादी चीजें आपको बनानी पड़ेगी। हाँ, मैं मेरा कहने का मतलब यही था, अभी जो कॉन्सेप्ट है ना ये अभी नीति घाटी में नया नया, क्योंकि इससे पहले जो इनर लाइट परमिट होते थे कई सारी चीज़ें थी, तो अब जो है जैसे एक दो साल से हो रहा है, कई लोगों ने होम स्टे बनाए हैं, गवर्नमेंट ने भी बनवाए, हेल्प कर रही है, लेकिन क्या है कि मतलब अब हमको खुद तैयार होना पड़ेगा, तो उसके उस प्रोसेस में 2-3 साल हमें लग जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, आप अगर खुलवा दे ना, अगर जिनकी भी जगह है हाँ। इसके लिए परमिशन दे रहे हैं। वैसे तो मेन एंट्रेंस तो ये रहा हाँ। यहाँ से ना, अगर एक बार मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। हाँ, फिर आप आए नहीं क्या सुबह यहाँ से? ये देखिए, ये एंट्रेंस हो गया, अब यहाँ से आप अभी क्या हो ना, गांव में कहा जाता है अगर आपके पास इतना ही बड़ा घर हो लेकिन अगर आपके पास आंगन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये देखिए पूरा जो है, अब कई घर में आपको ऐसे दिखा दूंगा, घर की भव्यता तो है लेकिन आंगन इतना नहीं है, तो इसलिए ये जो है ना, ये पूरी नीति घाटी का सबसे बड़ा और सबसे पैसे वाला खानदान था, है अभी भी, ये अभी भी हैं, अभी जॉब पे हैं, कोई क्या है, अपना बिजनेस है किसी का। ये अब चलते हैं गांव के दूसरे घरों की ओर। तो इस घर के बारे में तो आपने रिमार्क दे ही दिया कि कैसी इसकी भव्यता है और कैसे ये जिनका घर था वो उनकी हैसियत क्या थी होगी, देखने से पता चला। ये भी देखिए दोस्तों, ये जो है ना ये भी पुराना ही है, दरवाजे आप देख पाएंगे, लेकिन जो है अभी सीमेंट वगैरह लगा दी थोड़ी बहुत, वो कर दी। अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे ऊपर ना, ये जो छत है इतनी मोटी होती, वो देवदार की देवदार के सारे उसमें। अब इनकी खासियत क्या रहती है देवदार की, ये जितना बर्फ पड़ता है इसमें उतनी फूल जाती है, लेकिन पानी अंदर इंटर नहीं होता है, लकड़ियों में रह जाएगा।
हाँ, देवदार जो है सबसे देवताओं का पेड़ माना जाता है इसको, और एक हाई एल्टीट्यूड 7,000-8,000 फीट के ऊपर ही होता है। अब अभी आप जो गमसाली में खड़े हैं ये आपका 10,000 फीट पे है ये गमसाली। हाँ, कल आप ढामरसर ट्रैक गए थे वो 11,000-12,000 हो जाएगा वो। तो ये आप जो है ना, जैसे ही आप इसको जितना इसमें पानी पड़ेगा देवदार पे उस उतनी इसकी लाइफ बनती है, इसीलिए 70-80 साल में ये अभी भी टिके हैं। इसलिए पहाड़ों पर हाँ के नीचे नहीं मिलेगी देवदार। हाँ, क्योंकि देवताओं का वास ही पहाड़ में होता है। और ये कैसी होती है? ये जो है आप ये जो है ना, ये हम जो है एक पहाड़ी जो हाई एल्टीट्यूड क्या बोलेंगे इसको, बरड़ ना, तो बरड़ को इंग्लिश हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जो पहाड़ी हिरन होता है बरड़। हाँ, लेकिन इसको आईबैक्स सुना आपने? आईबैक्स जिसके सींग होते बड़े बड़े चट्टानों, नंगी चट्टानों पर चढ़ते हैं, वो इसी के सींग है, उसी का ही है पूरा हिरन। ये क्या है ना, ये कई बार गिरते हैं यहाँ से, ये पहाड़ों से गिरते हैं, यहाँ सीन आना है। ये भी देखिए मिट्टी और पत्थर से बना हुआ, क्योंकि यहाँ बर्फ जो है ना टिकती नहीं है, नहीं क्योंकि यहाँ सीमेंट टिकती नहीं है बर्फ में। हाँ, सीमेंट नहीं टिकती है। ये इस मकान का फ्रंट व्यू है, और ये देखिए ये भी पत्थर से उससे बना हुआ। अब ये जो है ना छोटी छोटी पत्थरों से बना हुआ, तो बड़े पत्थर, लेकिन जो नीचे वो बना था वो पूरी एक स्लेब, पूरा एक जो है ना स्लेब की तरह। ये भी देखिए छोटा जो है कितना पुराना डिजाइन। ऐसी आपको मिलती रहेंगी, लेकिन मैं आपको जो है ना थोड़ा मेन उसमें कवर करूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो है काठगुनी स्टाइल में जो है ना ये बनाया गया है, पत्थर है ये, यहाँ लकड़ पत्थर, ये भूकंपरोधी होते हैं ये जो काठगुनी स्टाइल बोलते हैं ना इसको, भवन निर्माण की शैली। ये जो आपका लकड़ हो गया उसके ऊपर चिनाई होगी, फिर लकड़ों चिनाई होगी। ये देखिए एक खोला ये भी है, ये मिर्गपुर फाल खोला है, ये आप देख सकते हैं जी कितने बड़ा जो है ना ये जो पिलर है उसका लकड़ी का। ये लोग मतलब आते नहीं ऊपर? आते हैं, एक दो फैमिली आते हैं। अच्छा। अभी बाहर त्योहार में आएंगे, अभी 17-18 को आएंगे नीचे जॉब करते हैं। हाँ, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस है, कोई क्या करता है, और कोई बिजी है, क्योंकि यहाँ जो है ना संसाधन कम थे पहले, और आजीविका चलाना थोड़ा सा मुश्किल था। खेती हो गई या? हाँ, खेती भी जो है अपने लायक थोड़ा बहुत बेहतर, क्योंकि अगर आप जितने भी खेती करें सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में जब ट्रेन आएगी ना यहाँ पे कर्णप्रयाग तक आ रही है तब जाके फायदा है, क्योंकि जितना आप कम जितना आप करोगे, हाँ 26 तक आ जाएगी, 26 तक आ जाएगी, जितना आप कमाई के लिए जाओगे उतना तो आपका ट्रांसपोर्ट में लग जाता है। इसलिए आइए आप, ये सारे जो लकड़ है ना देवदार के हैं, और अपने नेचुरल फॉर्म में हैं। इनमें आप देख पा रहे होंगे तो ना कितनी बर्फबारी झेली होगी उन्होंने, काफी। हाँ, लेकिन बिल्कुल गला नहीं है, आप सोच रहे होंगे ये गल गया, गला नहीं है, नहीं तो नॉर्मल लकड़ी होती है ना अब तक तो काम हो जाता। ये देखिए पुराने, ये बहुत पुराने हैं, कैसे बनाए गए देखिए काठगुनी स्टाइल में, और इसमें कोई फिनिशिंग नहीं है, इसमें एज इट इज काट के ऐसे ही चिपका दिया। हाँ, वो मेरा घर आ गया। ये
84 ईयर्स ओल्ड है ये, पिछले साल हमने पेंट करवाया इसको। हाँ ये भी 84 ईयर्स ओल्ड है ये। आइए अभी जो है ना थोड़ा सा मैं काम करवा रहा हूँ अंदर, क्योंकि जो है साइड्स नीचे से ना चूहे आ जाते हैं, तो मैं जब आया तो मैं देखा उन्होंने छेद किया हुआ, फिर मैंने जो है ना तुरंत काम लगवा दिया इसमें मिट्टी निकाल के। आपको मैं एक अपना कमरा दिखा देता हूँ, आइए। ये देखिए ये हमारा जो है ना इंटेंस हो गया, और ये आइए ये दो कमरों का सेट ये है, तीन दरवाजे वाले, और ये देखिए पुजारा बुरफाल खोला, ये मैंने लिखा पिछली बार, निर्माण वर्ष 1939। अब मैं आपको दिखा दूं, ये लिखा संवत 1996 के भादो 12 गत्ते पर यह मकान पूर्ण, और कारीगर जमनू मिस्त्री बोना भोजा। अच्छा उनका भी नाम है। हाँ जिसने बनाया है। अब ये जो है ना अगर आप इसको कन्वर्ट करो संवत को तो ये आपका उसमें आ जाएगा 1939। हाँ 1939, तो 84 ईयर्स लगभग ये हो चुका है। और ये इस प्रकार से एक ये होते हैं कमरे, ये हो गया एंट्रेंस। आ जाइए अंदर, आ जाओ आ जाओ। तो इस प्रकार से कमरे होते हैं, ये हमारा खिड़की हो गया इसमें सामान रखने के लिए। हाँ एक कमरा अंदर भी है। अच्छा कमरे के अंदर हाँ, भी कमरा है। तो ऐसे इस हिसाब से हमारा सेटअप रहता है। तो ये अब क्योंकि 2-3 साल से अच्छी बिजली है हमारे पास कटती नहीं है, तो सारी व्यवस्था है। आ जाए अंदर बैठिए। ये किस चीज़ का, बकरी का है वो जो, ये बकरे की खाल है, लंबे बालों वाली बकरी होती है। तो हम लोग क्या है ना सारी चीज यूज करते हैं, बकरे की खाल भी यूज कर लेते हैं ओढ़ने के लिए, इसके ढोल भी बनाते हैं हम। आ जाए अंदर बैठिए, बैठ जाओ। और ये जो है ना ये कल मैं जब गया था ना वहाँ, ये उसमें वहाँ से लेके आया, लेके आया इसको। आप ये बताइए वो आईबैक्स जो होते हैं ना उसी का, ये भी हाँ उसी का है, वेट भी काफी। अब आप ये बताइए 3 kg के लगभग होगा आराम से, बहुत वेट है। और एक और रहता है उसका 6 kg लगभग हो गया, सिंग सिंग का। और चढ़ना कहाँ है उसने, बिल्कुल स्टिप पे पहाड़ों पे, इतना जबरदस्त इसका। तो मेरे ख्याल से जितना हैवी है ये तो काम में भी आते होंगे इस चीजें बनाने में। अब ये तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे यहाँ पर क्या होता है कि कंगी जो होती थी ना पहले, एक कंगा होता है, कंगा भी बन जाता है इनसे, उसी का छोटा फॉर्म होता है कंगी, वो भी सींग से बनता है। तो इनसे भी कुछ ऐसा होता है यहाँ पे, तो ये इस प्रकार के कारीगर यहाँ नहीं है, लेकिन इनको हम 100 pieces ही रखते हैं। ये मैं कल वहीं से लेके आया, आपको कल रास्ते में मिला ना, मेरे को वहाँ गया था मैं, तो मैं इसको रख लिया। हमें भी मिल रही थी बीच बीच में, सर होता है ना बकरी का या किसी जानवर का, जानवर घोड़े वगैरह के सींग नहीं देखे हमें। ये जिसको मिलता तो उठा लेता ना, ये 100 pieces के भी काम आ जाता है, ये है एक ओरिजिनल चीज भी आ जाती है। वेट काफी है, वही तो अब मैं बताता हूँ ये कहाँ चलते हैं, कैसे जगहों पे चलते हैं। आइए अब इस तरफ दिखाता हूँ, अभी जैसे ना सुबह धूप खिलती है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिलैक्स फील होता है बैठने का। अब एक एरिया ये है, एक गांव का वो हमारा मंदिर, वो हमारा धारा है, ये मंदिरों की पूरी श्रृंखला है। आपको मंदिर के बारे में बता दूँ, वो फोनिया लोगों का अपना जो, एक तो हो गया गांव का मेन मेन मंदिर, और एक हो गया जो अपना कुल देवता होते हैं ना उनके, हाँ वो फोनियों का है, वहाँ पे रावतों का है, और फिर कुंवरों का है, फिर चौहानों का है, तो ऐसे। तो यहाँ पे हाँ ज्यादातर तो देखा जाए तो चार हैं, और चार नहीं है, सात आठ फैमिली है, सात आठ सरनेम्स है, सरनेम हाँ है काफी है। तो सबके मंदिर नहीं है, किस किस अपने अपने। तो ये जो है ना, ये जो आप नीचे देख रहे थे ना, जो मैंने दिखाया था पानी का, ये यहाँ पे है, और इसकी जो स्रोत है ना, मैं आपको लेके जाऊँ उन पहाड़ों के नीचे से है, चट्टान के नीचे से, मतलब वो हाँ पहाड़ों के अंदर से आ रहा है। हाँ उसके नीचे से मैं आपको दिखा दूंगा, हाँ स्रोत है।
अब जो आई बैग चढ़ती है ना, इनमें चढ़ती है, आप दिखाई बताइए 6 kg का लगभग सींग लेके इनके ऊपर दौड़ते हो वहाँ पे। हाँ, उन्हें खाने को क्या होता है वहाँ पे? खाने को जड़ी बूटियां होती है। ये आप जो है ना, ये काला काला देख रहे हैं, ये शिलाजीत भी हो सकते हैं ये जो है ना। और हाँ, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि आप जब पहाड़ी मीट कभी खाओ ना तो उसका एक टेस्ट अलग ही रहे, वो तो रहेगा, नेचुरल है वो, क्योंकि हर चीज नेचुरल खा रहा है ना। मैदान में क्या है कि मैदान में सारी चीज वैसी है, खाने में तो है ही नहीं। अभी एक घर देखिए उधर, मैं आपको लेके जाऊंगा उधर भी। तो ये भी एक अच्छा जो है ना साइट सीन लोकेशन के लिए। अच्छा, हम कभी सुबह से हम यहाँ पे बैठते हैं ना चाय लेके, तो काफी अच्छा रिलैक्स फील होता है। अच्छा, शाम का ना, अभी आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, जैसे सवेरे मैंने आपको बताया, सवेरे जो है ना आपको अलग ही रूप दिखेगा, फ्रेशनेस गांव की, और दिन में अलग दिखेगा, और शाम को 4:30 अलग ही दिखेगा। ये एक खासियत है पहाड़ों की। ऐसे घरों में अगर होम स्टे मिल जाए तो हर कोई रहना पसंद करेगा। ये टाइम लगेगा, 2-3 तैयार कर रहे हैं अभी, जैसे ये रूम्स खाली है ना। अब ये मेरे चाचा के हिस्से का है जिसमें मैं रह रहा हूँ। अच्छा, अब बगल पे एक दादी जी के हिस्से का है, तो मेरे हिस्सा नीचे है, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में जो है ना, इनको हम होम स्टे में दे सकते हैं। तो जे वासु है, गांव का लड़का है, ऐसे कई लड़के हैं, तो इनको हम, जैसे हम जॉब कर रहे हैं नीचे, तो इनको हम जो है ना, इनको चलाने के लिए इन्हें ट्रेंड करेंगे हम। और यही चीज़ें हम जो है, ये जो वीडियो बनाने का मकसद भी एक ही है। चलिए और जगह चलते हैं। अच्छा सर, आप बता सकते हो, जैसे देवदार का जो है ना, ये ऊपरी छत है, ठीक है ना, इसके ऊपर फिर कमरा है, तो ये जो काला पड़ा हुआ है, ये किस चीज़ का होगा, कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं? देखने में तो पेंट ही लग रहा है, लेकिन अभी मैंने जैसे ये छुटा है, तो पेंट होता तो ये चीज नहीं होती इस पे, तो ये कुछ और है, पेंट तो मुझे नहीं लग रहा। वो मैं आपको बताऊंगा उसका रीजन। पहले जो है ना, गैस चूल्हा था रही, तो क्या करते थे, यहाँ पे जो अभी मैंने सीमेंट का यूज कर दिया ना, यहाँ पे एक वो होता था चौकट टाइप का, अंगेठी टाइप का, पूरा उससे मिट्टी से ले पाओ, तो यहाँ पे आग सेकते थे, लकड़ी का सेकना, आग सेकना, ऐसे होता था। तो उसी से ये सारी चीज़ है ना, पहले लकड़ी का प्रचलन बहुत था, उसी से ये जो है काला पड़ गया, और यही इसकी मजबूती है, एक नेचुरल पेंट इस पे इसके ऊपर हो गया, वही देखने में पेंट ही लग रहा है। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि सारा चीज कर रहा हो, इसे भी हटाओ, इसे पेंट करो, तो मैं बोला भाई ये नेचुरल है, ये हटेगा, ये तो इसकी मजबूती है ये। अब इस घर की अगर बात कर लेना, ये पूरे पत्थर पे बना है। हाँ, वो बड़ा पत्थर है। तो इस, ये जो कमरा है ना, इसके नीचे मतलब ये आधा पत्थर है, आधे में काम करते हैं। इसमें जो है हमारा जो पहले जो मेरे चाचा जी लोग, पहले तो एक ही था हमारा परिवार बड़ा, तो यहाँ जो है इसके अंदर बड़े बड़े लकड़ी के वो रहते हैं खांचे, तो उसमें अनाज भरते थे, जो वहाँ से लेके आते थे तिब्बत से, उनको ऐसी जगहों पे रखते थे। ये सर, ये देखिए पूरे पत्थर पे बना, और ये जो है ना नीचे लगभग 10 meters नीचे जो है ना, इसके खोलो तो 10 meters नीचे तहखाना टाइप का है। हाँ दादी जी नमस्ते। अभी दादी जी आप उम्र बता दो थोड़ा, इनकी कितनी उम्र है? 90 के आसपास है। हाँ, पता नहीं है, 90 के आसपास होगी उम्र, पता था 80-90। हाँ 80-90 कहाँ है, 80-90 ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, 95 समथिंग। कल माँ जी काम भी तो करी थी खेतों में। हाँ अभी भी लगे रहे। यहाँ का यही है कि आप शरीर को जितना चलाओगे उतना चलेगा, वही है, खाना पीना अच्छा है, रहना अच्छा है, मतलब संतोष है। एक आप लोग आए हो घूमने तो एक संतुष्टि के लिए आए हो, संतोष के लिए आए हो, वही चीज यहाँ पे है, एक शांति है। शहरों में वो है कि भाग दौड़। अब जैसे पहले ये वाला मकान था, इसमें हमारे सिर लगते थे, जो ये है ना, इन्होंने ये जो था पहले, कोई भी मकान बनते थे ना तो छोटी हाइट के बनते थे, दरवाजे छोटे रखना, खिड़की छोटे रखना, क्योंकि मौसम क्रूर होता है यहाँ। तो ये था पूरा, इसके ऊपर इनका पूरा जंगला था, तो हमेशा हमको ऐसे करके चलना पड़ता था, तो कई बार लगता ही था सिर। ऐसे कई जगह और है, आइए। ये यहाँ झुक के आना पड़ता है,
नहीं यहाँ तो रहते हैं। अब एक ये है जूना खोला बोलते हैं इसको, ये बहुत पुराना है, ये बहुत ही पुराना है मकान। हाँ बहुत पुराना मकान, वो देखिए वो भी पुराना, अभी उन्होंने सीमेंट वगैरह लगा दी। यहाँ पे ईंट नहीं होती ना, यहाँ पे ये पत्थरों से बनाते हैं। हाँ, पत्थर मिट्टी और लकड़, ये वाले और लकड़ी इन्हीं को तोड़ के ईंट सी बनाते हैं। अब आप बीच बीच में लकड़ देख रहे होंगे ना, तो वो एक भूकंपरोधी वो होता है। हाँ, हाँ काटगुनी स्टाइल बोलते हैं इसको। आप ये लगाइए कम से कम 110-120 साल पुराना है देवदार की। आप ये देखिए कितनी मोटे लकड़ी, वैसी नहीं 110 से ऊपर है। आइए एक हमारा जो है ना उत्सव वाला मंदिर का, जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था ना, वो ये मंदिर है। आइए तो इसकी भी मैं आपको ये देखिए। अभी जो ये हमारा उत्सव फैला का मंदिर है, हमारा जो भूमियाल देवता है फैला देवता, आइए वो दो मंदिर है मेन, एक मेन ऊपर है वो मैं बाद में ले जाऊंगा आपको, एक ये है उच्चा फैला का। तो जो इसकी कहानी ये है, जो हमारा फैला देवता है वो ऊंचा स्थान पसंद करता है, तो इसलिए जो ये मंदिर है ना वो इतने ऊंचे स्थान पे बनाया गया। तो जितने भी घर होंगे इससे ऊंचे नहीं है, इससे नीचे है। हाँ तो यहाँ से आप जो है पूरे गांव का लोकेशन आप देख सकते हैं। आ जाओ आ जाओ, ये चाचा जी का ये है यार, इनकी भी छत काफी मतलब पुराने ही घर। हाँ पुराने ही है सारे। आइए यहाँ ये देखिए आप जो स्टेशन है। हाँ। वो नीचे ये ठीक है ना, यहाँ आइए। जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो वहीं पर पार्क करने पड़ेंगे, वो नहीं उधर ही कार सब वहीं पर पार्क करने होते हैं। ये देखिए, ये देखिए एक कितना अच्छा मकान है ये, नहीं वो नेचुरली है, वो स्टार्टिंग से ही है, केवल छत लगाई है उन्होंने छत की। हाँ हाँ बाकी सब पुराने रखा। जो पहले के बने हैं और अच्छे कंडीशन बने हैं तो उनको केवल जो है ना हल्का मेंटेनेंस की जरूरत है, छत ही छत की बस, या जिसने लगाया होगा तो पेंट लगाया होगा। तो ये लोकेशन है। अभी हमारे यहाँ जो भी पूजा कार्य होता है, कोई भी रस्म रिवाज होती है ना, तो गाँव वालों को बुलाना है कुछ भी कार्य के लिए तो यहाँ से अनाउंस होती है। अब तो स्पीकर से करते हैं, लेकिन हम पहले क्या करते थे उससे आवाज़ लगाते थे, यहीं से आवाज़ लगा लेते थे। तो आप मेरी अगर वीडियो देखोगे तो उसमें कई सारे वीडियोज ऐसे हैं जो यहाँ से आवाज़ लगाते हैं, मैं उससे शूट कर रहा हूँ। ये अब खुल गई लॉटरी बाबा, एक थैली मिल गई। कर लीजिए दर्शन, कर लीजिए तो ऊपर है ना वो। अब वहाँ जाएंगे वो भीतर खोली धर्माना और भीतर खोली, जैसे यहाँ पे जगह है यहाँ पे रुकना हो तो रुक सकता है यहाँ पे कुछ? नहीं अभी देते नहीं ना परमिशन। अच्छा अभी परमिशन। हाँ गेस्ट हाउस है तो गेस्ट हाउस तो है वैसे, लेकिन वो अभी प्रिपेयर लोग जो है ना प्रिपेयर नहीं है, तो कुछ जैसे होम स्टे जो चला रहे हैं, जैसे आप रहे हो तो वो प्रिपेयर है, ऐसे लड़के अभी हमने जो है ना इसी तरह से तैयार करने हैं, ताकि मतलब जो पुराने घर भी हो रोजगार के लिए उपलब्ध हो सके। ये हाँ वही है 15 अगस्त और ये हमारा 12 साल में जो है ना ये कुंड है, इसमें हवन यज्ञ का पूरा जो है ना बंद है, तो 12 साल बार फिर खोलते हैं इसको। पूरा हटाते हैं, पूरा एक सिल्ली रहती पत्थर की, उसमें यज्ञ का सामान ना जितने भी हवन रहता है 10 दिन का 8-7-8 दिन का वो वहीं रहेगा,
फिर हम चढ़ा देते हैं फिर बाद में। और वो आप सामने जो है ना पहाड़ देख रहे हैं, वो बर्फीला ये पहाड़ी चट्टान बोले ना पीक, वो पीक है हमारा नंदा देवी का। द्रोणगिरी, हाँ द्रोणगिरी पीक वो है। हाँ ऊपर से आपका कल आऊंगा मैं, दोबारा आऊंगा किलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसी जगह है अच्छा, मराठियों के ऊपर जो बनाई थी नाम भूल रहा हूँ, उसमें भी ऐसी जगह यूज हुई थी। अच्छा। तो वो भी मतलब ऐसी जगह भी बड़े, वो भी देखिए कितना पुराना है नक्काशीदार जो है ना देवदार का, अपने ओरिजिनल फॉर्म में ठीक है ना। हाँ अब ये देखिए एक दूसरा जो है ना उसके बाद फिनिशिंग, उसके बाद जो है ना जो बम्पल खोली है उसके बाद ये एक खोली है। आप वो दिखा, आप देखिए उनकी जो है ना छत जो है बालकनी देखिए, हाँ ये देखिए हाँ पूरी जो है ना देवदार की लकड़ी की उसके ऊपर नक्काशी देखिए। अभी इसके अंदर हम जाएंगे, खुला हुआ है? हाँ खुला हुआ, तब तक ये आपको एक बार धर्माना दिखा देते हैं। ये हमारा जो है ना धर्माना कहते हैं हम इसे, कोई भी मतलब ये हमारा मंच हो गया, कोई भी मतलब कार्य होता है, पंचायत होती है और हमारा जो पांडव नृत्य होता है यहाँ लगभग 10 दिन का ना, तो यहाँ पे फेमस पांडव, हाँ पांडव नृत्य का ही जो पांच भाई पांडव हैं उनका एक जो है ना नृत्य बेस्ड एक वो है कल्चरल हमारा फेस्टिवल है, तो वो होता है हमारा 15 अगस्त होता है ना, 16-17 अगस्त से हमारा शुरू हो जाता है। हाँ तो यहाँ पे उस समय भी आओ ना अगर, तो आपको 7 दिन यहाँ ऐसे माहौल मिलेगा। इसके जो है ना ताल होते हैं जो बाजीगर होते हैं और देवता जो नाचते हैं अपना, उन पे एक अवतार आता है, किसी पे अर्जुन अवतार आता है, किसी पे भीमसेन अवतार आता है ऐसे। तो यहाँ जब स्पेशल ड्रेसेस होते हैं उनके, वो तो सारे हाँ जानते हैं, तो वो जो है जब आप यहाँ आओगे ना उस समय तो आपके पैर जो है अपने आप ही वो एक वो होना शुरू हो जाता है, इतनी वाइब्रेट रहती है उस साउंड की और उस समय जो इन्वायरमेंट बनती है। तो यहाँ पे मंच बनता है यहाँ पे ये पांडव, ये देखिए आप जो है ना केदार स्वर्गीय श्री केदार सिंह फोनिया उत्तर प्रदेश सरकार में ये कैबिनेट मंत्री रहे हैं। हाँ और जो है खुला है और जो है ना ये देखिए इन ये जो फैमिली है फोने फैमिली, ये भी मतलब माने जाने हैं घाटी के बम्पाल फैमिली, ये फैमिली माने जाने हैं। उसमें तिब्बत टाइम पर इनके पिताजी जब वो रहे तो सबसे पहले गांव में यही रहे जो बाहर पहले शिक्षा पाई इन्होंने। हाँ तो इन्होंने कहा हम तिब्बत नहीं जाएंगे, हम शिक्षा लेंगे। हाँ तो विशेषकर बाहर ही रहे, बाकी हमारे जो कल्चर थे जो समय ही तिब्बत के जाते थे, तो उस समय इतना वो नहीं था मतलब वो आपका शिक्षित शिक्षित वो नहीं था, उसमें जो व्यापार तिब्बत का था सब तिब्बत, उसमें लोगों को आदमी चाहिए थे, ये थोड़ा अलग चले, दस दस घोड़े नहीं काम के लिए थे ना बकरी, क्योंकि वो सामान आता था आपका कालिंगमोंग से नीचे प्लेन से, तो वहाँ से आता था यहाँ से जाता था, ये आपका गांव से अन्न जैसे गेहूँ हुआ 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 जौ हुआ, तो वहाँ से अब कालिंगमोंग से तो कपड़ा आता था बनियाद का, कालिंगमोंग वाला आजकल का कलकत्ते का, कलकत्ते का आता था बताइए आप। हाँ रामनगर कोटद्वार से उठाते थे जो हमारे दादा परदादा थे, लेकिन जो जो कपड़ा जो चाचा जी बात कर रहे हैं ना कालिंगमोंग कलकत्ता का कपड़ा आता था, तो वो एक्सपोर्ट होता था वहाँ, तो वहाँ से आता था आपका सुहागन नमक, नमक के पूरे कमरा आपको कमरा दिखा दूंगा, नमक के हमारे पास कमरे का कमरा था पूरा, तो वो नमक जाता था, नमक कल आपको दिखाया था ना वो बड़े डेले वही थे वो। लेकिन उसमें ये वाला जो नमक आपने कल दिखाया और जो नॉर्मली हमारे मैदान में मिलता है उसमें अंतर क्या हो जाएगा? अंतर ये तिब्बत भी है तो बहुत बढ़िया नमक था ये तिब्बत का नमक, ये तो एक रॉक साल्ट है ना जैसे पाकिस्तान का है रॉक साल्ट, ये यहीं का है तिब्बत का, उस समय यहाँ का नमक, नमक का पहाड़ बोलते तिब्बत का नमक दवाई काम आता था, ये जाता था पूरा आपकी जिम्मेदारी गाँव में जो 6 महीने यहाँ रहते थे, तो 6 महीने नमक देते थे, तो नमक की जगह पर वो तो वहाँ से अन्न लेते थे, तो वो इस पर ट्रांसपोर्ट होता था।
नमक वहाँ जाता था, वहाँ से यहाँ से ऊन और नमक आता था और वहाँ से ये अन्न आता था, तो ये ट्रांसपोर्ट होता था तिब्बत के लिए। और आपने देखा होगा गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम नाम सुना होगा आपने। तो जो है ना श्री केदार सिंह पुनिया जी, इनकी जो पढ़ाई ना विदेशों से विदेश में भी हुई है, तो वो टूरिज्म में ही मास्टर डिग्री थे, तो उनके ही जो है ना उससे ये चीज़ बनी है गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल विकास निगम, उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने ही बनाया। वो एक ऑफिशियल तो थे ही, हाई ऑफिशियल और जो है ना पीसीएस थे ना, पीसीएस खनोड़ी जी के क्लास फेलो थे। हाँ, और जो है, और उसके बाद वो बने कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार में, पर्यटन मंत्री रहे, पर्यटन मंत्री। और आज के डेट में उनका जो है ना, उनकी कहानी मैं सुनाता हूँ। इनका ये इस वक्त का है जिस समय इंदिरा गांधी और हेमंत नरेंद्र बहुगुणा का कमीशन चल रहा था, ठीक उस समय ये सर्विस में थे, किसमें, दिल्ली में। तो उस समय इताब को आप देख लीजिए ये प्लेन का और यहाँ का कितना फर्क है। उस समय इंदिरा गांधी ने क्या लाया पूरे प्लेन के, आपका इटावा वहाँ से उत्तराखंड में, ऐसे देवभूमि में, ऐसे ऐसे लठ लेके, बंदूक लेके, जब इलेक्शन चल रहा था, तो उस समय नौकरी पर थे, इनको जबरदस्ती नौकरी भेजा गया कि जाओ कैप्चर करो। तो ऐसे भूमि पर फिर कैसी राजनीति हो, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं होता लठ लेने का, हत्या लेने का। तो आप देख लीजिए उत्तराखंड के समाचार में, तो ये पार्टी पॉलिटिक्स दुनिया का, इंदिरा गांधी वो पार्टी पॉलिटिक्स थी। तो ये सर्वे में होते उनको जाओ पलटाओगे। अभी हेमंत नरेंद्र बहुत जिंदा होते तो बहुत कुछ फर्क पड़ जाता हमारे गढ़वाल में, इसमें उत्तराखंड का बहुत फर्क पड़ा, अपने रहे नहीं है वो हेमंत नरेंद्र बहुगुणा उत्तर प्रदेश में, वजह से जो पार्टी बनी वो मुख्यमंत्री रहे हैं पहले। तो ये दबदबा था उस समय राजनीति का। और इंदिरा गांधी जी आए आपके वहाँ, क्या कहते हैं वहाँ उतरे हो नारायणगढ़ में, हेलीकॉप्टर जाम हो गया, वहाँ से फिर पैदल आए यहाँ तक। अब आपको देखे नहीं होगा, ये तो आप देख रहे हैं ना आप। तो इस समय तो सिर्फ दो फीट, इतना भी रास्ता नहीं था, जैसे वो घोड़े आते थे, इतना भी रास्ता नहीं था, घोड़ों में बकरियों में जाता था सामान। अब रामनगर कोटद्वार से, उससे पहले रोड तो नहीं बनी नहीं थी, तो रामनगर को हमने खुद देखे हैं कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं घोड़े बकरी में सामान आते थे तब जाके निकल जाते। तो आप तो कोई यकीन नहीं मानेगा। अब सन 62 में अगर चीन बदनाम तो हो गया आपका विश्व प्रसिद्ध। अब हम बताते हैं आपको किस्सा, हम जब दिल्ली गए ना, दिल्ली में हम कुछ बदनाम थे, हमारे घर में आ गए, तो हम जब आते थे चमोली से पैदल, हम खुद आए हैं जब हम छोटे थे, प्लान करते थे घोड़े बकरियों के साथ, बैलों के साथ। उस समय दिल्ली से आपके बाहर से जो भी आते थे सुपार में आते थे, नेपाली आते थे पैदल। तो उस समय वो मतलब जो बद्रीनाथ गया तो गया समझ लो, तो उस समय बख्ता बाबा वो सुई तागा देते थे, जैसे दान नहीं करते। उस समय सिक्का था मिल्का से, या उस समय आपका एक पैसा था, वो भी एक साबुत पैसा था, एक एक पैसा का थे, तांबा का पैसा था, तो वो देते थे सुपाल में रईस लोग। तो हम जब रास्ते में ये रानी सुई ताग थे, हमने मांगते थे, छोटे बच्चे थे, हम सब मांगते थे, तो कोई पैसे फेंक देते, कोई सुई ताग फेंक देते, क्योंकि उस समय सुई ताग का बहुत बड़ा महत्व था। तो वो वक्त थे, ये वक्त गुजारे, खुदा ने खासा एक साल अगर तिब्बत बंद नहीं होता तो मेरा नंबर ही पड़ गया था। हाँ, बकरियों के एक दो साल में बकरी चलाए। सन 62 में अगर चीन अटैक नहीं करता यहाँ, किसी का सफर किसी को पता नहीं चलता, बद्रीनाथ इसलिए बद्रीनाथ भी है, लेकिन उन तो पता चला ही नहीं थी घाटी कोई भी तिब्बत का नजदीक है, और तिब्बत बहुत नजदीक है यहाँ से, जो आप धारचूला जाते हैं ना, कैलाश मानसरोवर, यहाँ से भी रास्ता, कैलाश कैलाश का रास्ता, कैलाश मानसरोवर यहाँ से वर्किंग है या बस वैसा वाला है? टफ रास्ता है, टफ रास्ता, वो घोड़े बकरी जा सकते हैं, लेकिन अब तो मतलब बॉर्डर तक आपका मोटर चला गया जो कंपनी चाहिए, अब तो बहुत परमिशन ले लीजिए, कभी देख लीजिए फर्स्ट क्लास। तो अब जो व्यापार होता था ना, तो चारों तरफ के दरबार ब्यास के, यहाँ आपका धारचूला के, वहाँ के, तो एक बड़ा होती वहाँ तक बड़ा होती तिब्बत से लेके बड़ा होती, मतलब वहाँ से होता था बड़ा होती, तो चारों हिंदुस्तान के जितने भी बॉर्डर इलाके के बचाते थे, तो वो सब घूम के बड़ा होते हुए चला आइए। अपना जी निकास देख लीजिए आप, पहले यहाँ ख़त्म कर देते हैं, ये यहाँ अंदर ले जाते हैं। उस समय पैसे की कोई जरूरत नहीं था। अब ये बालकनी देख रहे हो ना आप, उसी का एंट्रेंस ये है। सामने ये देखिए,
ये देखिए, ये है पर्यटक गाजियाबाद के। ये जो ना थोड़ा सा पेंट गलत कर दिया इन्होंने। सबसे बड़ा इस बात का लगता है, मैं आपको एक बात समझाऊं, ना घोड़ा ना गाड़ी, पैदल रोड पर इतने लंबे चौड़े आए कहाँ से लकड़ी अब लगा ली सब। तो आप ये समझ लो कब इतने लंबे चौड़े लकड़ी, ये कहाँ थे? लकड़ी पत्थर, पत्थर वो आपने दिखाया मैंने नीचे मकान पत्थर तो चलाओ उसको पिलर वो देखे ना आप जो पिलर हैं और ऊपर जो लटक रहे हैं काफी ज्यादा नक्काशी है। अब इस बार का निकाल दे दीजिए आप, इस खंभा आप कम से कम 1,00,000 में नहीं मिल पाएगा। कौन सा ये खंभा? 1,00,000? 1,00,000 में कहाँ, 1,00,000 तो एक खंभा कह रहा हूँ मैं। हाँ आप ये देख लीजिए पूरा जो है ना एक एक सीधे समझ लो एक पेड़ ही है, पेड़ पूरा बड़ा वाला पेड़ है। हाँ ये देखिए उतना ही ऊंचा ये है, ऊपर खुला है क्या? खुलते खुलते अच्छा ये देखिए एंट्रेंस इनका, ये देखिए ये जो है ना एक कमरा ऐसे आता है। अभी आप अंदर आओगे ना एक दरवाजा ये है, ये इन्होंने लॉक किया हुआ ना अभी, ये देखिए और एक ये है और यहाँ देखिए ये भी जीना ऊपर के लिए। दरवाजे का साइज देखिए आप, ये काफी बड़ा है, पूरी हाइट है इसकी। था उस समय जमाना था जो हम प्लान करते थे नीचे से भेड़ बकरे में, अगर आपने रास्ते में सामान रख दिया ठीक है सर, सामान रख दिया आपने लगा दिया वहाँ पर, उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया मजाल नहीं कोई मतलब मजाल नहीं कोई हाथ मारा उसी पर रख दिया, चाहे आपने एक छोटा बक्स भी रख दिया लेकिन मैदान में जाओगे ना मैदान में बहुत बेकार हाल हो चुका है। बहुत 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 ही आप देख रहे हो ये पत्थर, ये पत्थर है लकड़ी लगी पत्थर है दूसरा लग रही है ना। ऊपर देखिए जो वो है ऊपर से डिजाइन, हाँ पूरा लकड़ी है, पूरा लकड़ा वही लकड़ी बहुत काम कर रहा है। पिलर देखिए पूरा इससे नाम भी लिखा प्लेट का, पूरा नहीं है वो प्लेट शायद, हाँ लिखा है लगभग आप लगा लीजिए 90 साल पुराना, 90 से 100 के बीच में तो लिखा है सन कुछ ऐसी। इस जगह पे भी शूटिंग हुई है, इसकी भी पेंटिंग वैसे कर देना जैसा आपने करा रखा था वैसे, तो ये भी बहुत निखर के आएगा बाहर। नहीं रखा वरी नहीं नहीं, हां ठीक है ना, बाल बहुत अच्छे। ये इन्होंने वाइट जो है ना ये गलत कर दिया, बहुत अच्छा ये उसमें बेसमेंट लगा दिया कारीगरी, अरे इस पे टच वुड ही लगता है ना या वो वाला लगता सीलर आती बना रखे हैं ये बहुत अच्छे है कारीगर कहाँ के बुटानी सी। आप एक कमरा यहाँ भी देगा एक्सटेंशन और ये भी पहाड़ के अंदर इसमें चलिए एक और साबुत लकड़ी है। हाँ इसमें वो भी नहीं किया कुछ, वो भी नहीं इसमें कील कब्जे नहीं लगते हैं कुछ नहीं लगाया सीधा लकड़ी हाँ। कटिंग करके ऐसे लगा दिया। हाँ ये अब इसमें क्या होता है ना हमारे जो नीचे वाला रूम है ना उसमें भी ऐसे ही था लेकिन क्या है वो घिस गया ये भी घिस गया तो क्या करता था कोई भी जो है ना ताला लगा दिया मैंने और कोई भी उसको खोल देता था। फिर मैंने क्या किया उसको उतरवाया ये कटवाया ना और फिर उसको फिनिशिंग करवाई तब कब्जे वाली बनाई और ये साबुत लकड़ी है ये लकड़ी है जोड़नी है कहीं। हाँ तो आप लगाइए पता ये देखिए कि कितना मोटा जो है ना ये देवदार का पेड़ था होगा यहाँ तक वो तो थोड़ी ये भी साबुत ही है साबुत लगा रहा था ये, देख ले। ये भी साबुत है जॉइंट वाला काम है नहीं लकड़ी वाला वैसा कील वाला काम नहीं है कुछ भी कील उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी कील बनते थे उस समय वो भी किससे लोहार से ये कील नहीं थी वाली होंगी मोटी वाली वाली इस तरह मोटे इस तरह बड़ी हमारे यहां पे बोलते हैं उसे बताशा कील वाह 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 ये देखिए दोस्त ये फटते हैं फटते तब के उसके क्या कहते हैं बर्फ भी आसानी से
जल जाता है। ये देखिए इसके ऊपर ना ऐसे वो बन जाते हैं बर्फ जो है ना पानी। अब इसको अगर ढंग से छीलेंगे ना तो अंदर लकड़ आ जाती है। हाँ मैंने अपना दरवाजा छिलवाया ना इतना मोटा था तो इतना कर दिया उसको, तो उस पर मैंने कब्जे करवा दिए क्योंकि जो है ना जो उस पर था ये जो है ना ये कौन सा भूकंप रोधी होता है ये जो पत्थर और लकड़ बीच में तो ये जो है अर्थक्वेक झेलता है, इसको काठगुनी शैली बोलते हैं। ये देखिए ये फोन खोल फन्ने खोली आ गया लॉक हो रखा लॉक ये बंद है आप यहीं से देख लीजिए यहाँ भी पूरा यहाँ भी शूटिंग हुई है। ये कुलांस एक जो है ना पांडवाज बैंड है यहाँ पे भी अच्छा पिलर अच्छे हैं। हाँ और इसमें तो नीचे पत्थर पे भी लिखवा रहता है। हाँ ये सेब का पेड़ है ये वाला। हाँ ये सेब का पेड़ है और ये जो है अंदर हम जा नहीं पा रहे हैं अभी काफी यहाँ पे नीचे भी अंडरग्राउंड वाला भी है। हाँ यहाँ पे जानवर रखते हैं। अच्छा हाँ गाय वगैरह नीचे जानवर ऊपर खुले रहते हैं। हाँ ये कॉन्सेप्ट रहता है यहाँ पे शूटिंग हुई थी यकुलांस की तो जो यहाँ के जो कलाकार है ना उसमें तो वो भी यही अंदर रहते हैं इसमें दोनों में शूटिंग हुई है वहाँ भी तो उस समय ये मतलब खुलवा देते हैं जब शूटिंग ये अभी ताला लगा के गया हुआ है। अच्छा, अच्छा। खेत गया होगा ना इसकी खूबसूरती जो है ना मकान की खूबसूरती यही है, मतलब जो आप देख रहे हो वो वहाँ भी है ये जंगला बोलते हैं हम इसे बालकनी। हाँ ये देखिए ये किस चीज का होता है ये कपड़े जो कलरफुल होते हैं ये जो है नीचे कपड़ा वही क्या कहते हैं रेशम कपड़ा रेशम का हम जो है ना अपने जो इष्ट देव है साटन बोलते हैं उनको ये कपड़ा चढ़ाते हैं जैसे काली माता को लाल चढ़ाते हैं हमारे जो फैला देव हैं उनको वाइट और पीला चढ़ाते हैं तो ऐसे आपको ये सारी मिलेगी। ये देखो ऊपर कितनी अच्छी तरह से गुटका को ना यूज किया हुआ है ये कुछ पुराने मकान पूरे मेंटेन किया नहीं तो टूट गया और। अच्छा मैं आपको बता रहा था ना कि ये वाला जो है ना मैं आपको बता रहा था जो नीचे वाला जो है ना वो पुराना रास्ता है और ये वाला है नया रास्ता ये पुराना हो गया। हाँ ये पुराना रास्ता है ये पुराना। ओ वीर भाई नमस्कार। बस ये मकान का मेंटेनेंस तो कराओ मकान को ठीक करो ना। अब इस बार है बुला। अब आने वाले हैं ना सारे पहले धीरे धीरे तो ना थोड़ा हल्का वो था ये हमारे बीच लेकिन वीर भाई ने ध्यान नहीं दिया मकान पे नीचे बनाया यार बुला अगले साल। अरे तो पुराना मकान तो पुराना मकान होता है हो गया नहीं है। हाँ हाँ ये यहाँ दिक्कत यही होती है कि मतलब ना नहीं बनाते हम पहले के तो हमने नीचे बनाया तो पांच फैमिली है कोई इसी में समझ कितना तीन चार परिवार नहीं है ये भी चार पहले मैं देखा यहाँ हम खेलते थे कई बार जाते थे अंदर अभी देखा धीरे 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 मेंटेन नहीं किया तो ये दिक्कत क्या है ना चार पांच भाई रहते हैं फिर बोलेगा तू करेगा मैं करूंगा ये कर इसलिए दिक्कत हो जो भी पैदावार होती है ना उसके बाद यहाँ इकट्ठा करके कटिंग करके ऐसे ऐसे हर किसी की जगह होती है हर जगह ओपन में रखते थे ओपन में रखते थे कूटते थे उसकी जो जो भी साफ सफाई साफ सफाई करने ऐसे खोले होते थे और सब जगह मिलेंगे आपको ऐसे हर किसी का जो है ना जिस टाइप के खेत वालों का यहाँ होगा अलग है। अब ये गमसाली का एक दूसरा छोर है अब ये बताओ उपज बहुत बढ़िया थी यहाँ तो पहले अब तो नहीं उपज हो गई
ये हमारा इष्ट देव जो फैला है ना मेन मंदिर, उनका मेन मंदिर ये है। अच्छा, वो वाला कौन सा था? वो वाला उत्सव फैले का ही है, लेकिन एक ऊंचे स्थान पे फैला देवता पसंद रहना पसंद करते ना, तो वो जो जो नवाब होता है ना, नया जो हमने आजकल बोए हैं, तो भादो के महीने जो नया चीज होता है तो उसकी पूजा होती है वहाँ। हाँ, उसको नवा कहते, नया जो उत्पादन हो जाए। ये अखरोट का पेड़ है, अखरोट है ना, अखरोट का। और ये वाला, ये खुमानी बोलते हैं, खुमानी इसकी बारे में ऐसा खुमानी, है खुमानी का पेड़। अब आया तो आपका ड्राई फ्रूट जाता था वहाँ से, कहाँ से, वहीं कलकत्ता से, खुमानी से, और पता नहीं कहाँ से लाते थे, कश्मीर से लाते थे, यहीं से लाते थे, काली मुँह से लाते थे, तो काजू जाता था, बादाम जाता था, ये खुमानी जाता था। तो खुमानी वहाँ से पता नहीं कैसे सूखा जाता, कैसे सूखते हो, तो अंदर से बिल्कुल गिरी मीठा होता है उसका, बाहर से उसका मीठा होता है, वो सूख के आता था। उसको हमने सुखाने बहुत ट्राई पर नहीं सूख पाया, नहीं कर पाया उसको। खुमानी एक जो ड्राई फ्रूट टाइप का होता हो, वो ड्राई फ्रूट येलो येलो कलर का, वो काफ़ी महंगा आता हो, जितना मुझे याद है शायद मैंने देखा है, घर पर रखा है। हाँ, वो मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा। खट्टा मीठा होता है। हाँ, ये गमसाली का एक छोर, ये भी मैं बोला गमसाली का अगर नीचे से लगाएं तो उत्तर छोर हो गया है, उत्तर और उत्तर पूर्व। ये तो पुराने मकान है, लेकिन उन्होंने अभी प्लस्तर वगैरह करके, हाँ, छत बदलवा दी। हाँ, ये गमसाली का एक छोर ही आ गया। अब ये टॉप सबसे लास्ट वाला छोर है गमसाली का, ये वाला बाकी जितने बड़े सब नहीं है, नहीं ये अभी हाल ही में बनी। अभी जो लोग नया बना रहे हैं ना, कुछ इस टाइप का बना रहे हैं लोग, सारी फैसिलिटी उसके अंदर देते हैं। हाँ। जो ये नए तो है ना, ये भी नए हैं, ये चाचा जी का मकान है जिसमें मैं रह रहा था अभी, वो चाचा जी नया मकान ये बना दिया सामने। अच्छा, ये दोनों तो ये इनमें आप देखोगे मॉडर्न है ये, तो इनमें सारी फैसिलिटी है, इनकी सारी फैसिलिटी प्राप्त। ये भी नया मकान बना है। हाँ, तो ये जो है ना लकड़ी की फिनिशिंग इन्होंने बाहर से लाई है इसको ना। ये देखिए, ये नया है। अब इस घर की एक कहानी ये है, जब ये बनाया था ना तो ऊपर जो छत जो है ना, एक बार जो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आई थी तो छत ही उड़ गई थी इसकी, फिर दोबारा से इसको पूरा कंस्ट्रक्ट किया है। हवा से उड़ा था ना ये छत। हाँ हाँ, तो काफ़ी हाइट में है ना ये, प्रेशर भी काफ़ी है। हाँ, और ऊपर उस समय मजबूती से नहीं बनाया होगा ना, तो वो पूरा उड़ा के ही ले गया। अब तो पूरी जो है दोबारा से मजबूती से बना दी। हाँ, ये लकड़ी तो बाहर से बनवा के लाए हो, अब कारीगर यहाँ उस हिसाब से रहते नहीं। कौन रहता है? नंदा राजा का है ना जो, ये आते हैं आएंगे अभी, नंदा राजा वाला जो भवन उड़ा था, तो एक बार हमने देखे खुद यहाँ पर, जो ये भवन चलते हैं ना तूफान, तो आपका ये ऐसे घूमते मेरे ख्याल से यहाँ से घूम के उखाड़ गए और फिर जमा कर देते कहाँ, वहाँ दुम्बूदार। अरे एक बार हम आए थे, लकड़ी की लकड़ी पूरे जड़ उखाड़े हुए, ये रिवॉल्वर में देखा होगा। हाँ देखा। हाँ, वो देखा, तुमने देखा होगा वो जो नीचे एक देवदार का जंगल मिलता होगा, लकड़ियाँ पड़ी होंगी पेड़, अब तो वहाँ पे तो एक भवन उड़ते हुए काल से हवा चलती कई बार, बहुत खतरनाक, वो घूम कर एक जगह कर देते। ये पुराना है, अली का ना लास्ट छोड़ा है, लास्ट छोड़ा वाला गांव घर है। ये तो नया ही बनाया है 1975-76 दिखा हुआ है। यहाँ पर भी अभी नहीं आए। हाँ, ये लास्ट, मतलब इसके बाद घर नहीं है। देवता का मंदिर, कल कपाट खुले थे ना, तो कल जैसे आप वहाँ देखे थे उसके बाद रात को यहाँ किया था।
जो हाँ आवाज आपको सुनाई दी नहीं सुनाई दी होगी रात को। अब बताएं आप हाँ देखो 95 इयर्स प्लस हैं मैदान वाले। हाँ देखो ना अभी भी लगी लगे हैं। ये आप जो है ना जो बुग्याल जाने का रास्ता ये है अभी जा रहे हैं लोग। देख बुग्याल नहीं जाना वहाँ पे ये आ गया ना बुग्याल वो वाला रास्ता बता रहे। दिन का मजा यहाँ पर है। हाँ यहाँ पे एक्चुअली जो है ना तो सारा भी मिल रहा है पूरा बढ़िया वाला। ये जो है ना आप ये जो है ना एक्चुअली जो हमारा ये है एक शुद्ध जगह है ये। हाँ ये जो हमारा जो आपको बोल रहा था ना पानी का स्रोत है ये है वो स्रोत। तो यहाँ पे काफ़ी सारी हमारी ना गतिविधियाँ होती हैं देवताओं से संबंधित ना। अच्छा, ये हाँ इसलिए यहाँ कैंपिंग अलाउ नहीं है। हाँ, फिर तो नहीं करते। ये है ना ये आप देखिए ना ये यहाँ से आगे हम चप्पल लप्पल लेके नहीं जाते हैं। ये देखिए पूरा पानी आ रहा है। तो ये पानी वही वाला ग्लेशियर वाला है? ग्लेशियर का पानी नहीं है और ये कहाँ से? ये नीचे से आ रहा है इसके अंदर से। इसके अंदर कहाँ से आ रहा है? ये भी तो ग्लेशियर का। ग्लेशियर बहुत टॉप पे होगा ना। पानी तो एकदम क्लीन है। ये बिल्कुल जो है यही पानी है पूरा जो आ रहा है सब क्लीन पानी है। तो ये जो है जमीन के नीचे से है। अब वो जो इसका स्रोत जो है पता नहीं कहाँ होगा ऊपर लेकिन ये आप पी लो पानी। पीने के हिसाब से भी है ना है? ये पीने वाला पानी भी है ना? पीने वाला ही तो है ये। ये तो खेत में भी डालते हैं ना फिर पानी है। ठंडा बहुत है। ठंडा लेकिन फिल्टर हो गया है। ये फिल्टर हो गया है पूरा जो है ना वहाँ से निकल। हाँ अभी जैसे ना ये आप देख पा रहे हो यहाँ से वो निकाला हुआ है मिट्टी। ये मिट्टी का पूरा एक वो निकालते हैं पूरा एक ना एक ये पार्ट जैसे ये पार्ट निकला ये पार्ट निकला तो ऊपर रखते हैं उसको। फिर जो है ना यहाँ से जो हमारे पांडवों के जो धनुष होते हैं तो धनुष से यहाँ पे प्रतियोगिता होती है। अच्छा। तो उसको बोलते हैं बैरितोको। तो ये होता है हमारा कब होता हो बैरितोको का आ जाओ। सावन के शुरू में जो हमारा पांडव देवता का मंदिर है ना वहाँ पे जो पांडवों के हमने हमारे धनुष हैं उससे जो है ना यहाँ पे एक प्रतियोगिता होती है शुरू में यानी कि जुलाई में हो जाएगा। कहानी है प्रतियोगिता नहीं बेटा कहानी है। ये ऐसे पुराने जमाने गमोक्ष नाम गमसाल क्यों पड़ा। अच्छा गमोक्ष नाम का राक्षस था एक आया समझ में। अच्छा एक बार पूरी सही से। अच्छा गमसाली की कहानी तंग करता था वो गमसाल क्यों पड़ा इसका नाम इसलिए पड़ा वो। तो ये हुआ कि तंग करता था। अब कहानी इसी लंबी है। पहले अपन जो पानी की बात करें आप पहले पानी से चले वहाँ। ये पानी जो है पंचना का दिया हुआ है ये वाला जो पानी है ना ऐसी मान्यता है। अब मान्यता क्या है वो है और फैला का जो मान्यता है पांच गांव तक का कैलाश पर्वत का सिर्फ नीति नंदमा है वो नहीं है। गमसाली से लेकर आपका फरगांव बम्बा लेकर फरगांव से लेकर कैलाशपुर मरगांव ये पांच गांव का अधिपत्य फैला जी का। तो पांच गांव फैला जी की पूजा होती है। जब आए दो भाई तो पंचनाग आए जब तो फैला ने कहा कि तू मेरे को पानी दो मैं तेरे को जगह दूंगा। तो फैला ने जो बम्बा दे रखा पंचनाग को दे रखा बम्पा यहाँ से 2 किलोमीटर पे है। 2 किलोमीटर है तो इसी को जो आप किसी गाड़ी में जय फैला पंचना लिखा रहता है तो दोनों का पूजा साथ साथ होता नहीं होता सिर्फ फैला का ही नहीं होता पंचना को साथ दिया जाता है। तब पंचना ने यहाँ से पानी दिया उसको उसने कहा मैं पानी दूंगा तुमको तो उन्हें पानी दिया उसी जगह पर अधिपति में फैला ने वो दिया। अब वहाँ रही तुम्हारे बैद्यनाथ का हिसाब। बैद्यनाथ जी आए तिब्बत से। अब जहाँ आप गए थे ऊपर चोटी तक वहाँ बसने का इरादा था उसका बैद्यनाथ जी। मैंने वहाँ बताया था। अब इन्होंने कहा कि अगर ये बद्रीनाथ जी यहाँ रहेंगे तो हमारा तो कोई औचित्य नहीं रहा। हम तो पूछे नहीं हमारी पूजा नहीं होगी। ये तो बड़े महान आदमी ठहरे अब उनको तो मालूम होगा ही हो। तो उन्होंने क्या किया एक तो बन गया पक्षी एक बन गया मरा हुआ गाय रह गया ऊपर पानी। अब ठीक अब नाश्ता कर रहा था वहाँ पर अब ठीक कर रहा था
उसके बाद अगर आप नीचे जाते हैं ना, तैयारी हो गई थी उसकी, अब सब कुछ उन्हें रात रोबन बनना था उसने, वो नाश्ता का टाइम हो गया, उन्हें कहा कि छिछी ऊपर गाय मर रहा, तू नीचे यहाँ सा तू खा रहा नाश्ता कर लें। मैंने यूँ देखा उन्हें वहाँ से मरा कहकर, तो वहाँ से भागा वो सीन, तो इन्होंने भगाया उनको बदला, तो यहाँ से बद्रीनाथ जी यहाँ से भी तब बस इसके पीछे ये जो पहाड़ है ना, इसके पीछे आप बद्रीनाथ है पूरा, ये आपका हेमकुंड साहब सारा इसके पीछे बद्रीनाथ पहुँच जाते हैं, ये कहानी है इसकी। अच्छा, तब पहले तो कोई इसलिए हुआ कि यहाँ से जब तंग करते रहा, एक बार ऐसा हुआ, ऐसा नौबत आया उन बुड्ढों ने, तो यहाँ से दोनों अब लगाइए आप, अब तो हम यहाँ तक पहुँचे, अब हम यहाँ पर था पत्थर, एक बहुत बड़ा पत्थर, तो यहाँ से उस ज़माने में यहाँ से जो खड़ा करते थे इसको वहाँ पर, तो यहाँ से तीर मारा जाता था यहाँ पर से इतनी दूर से, ऊपर जो ऊपर रखा है ना वो झाड़ी है, झाड़ी के पास में, अब ये कहते हैं तो राक्षस बचा था उस झाड़ी पे, अब नहीं है वो टूट गिर गया वो, लेकिन वहाँ पे रखते हैं वो उठा के ना, इसका इसको उठा के वहाँ पर रखते हैं, तो जब एक साल नहीं हुआ तो वो सारी रात परेशान करता रहा हो, तब फैला जी ने बोला कि भैया तब पांडव इनके पहरे ही हैं, किसके फैला जी के, जो पांडव जी हैं फैला जी, ये पूजा फैला जी अब करते हैं वो, तो पांडव जी उनके प्रहरी हैं, तब उन्होंने कहा अर्जुन को बोला भाई भाई अपने धनुष से तुम इनको मारो, तो वो ये हुआ उसका किस्सा, तो जब उस समय जब अगर मान लो उस पर लग गया तो झाड़ी अपने आप हिलता था, मैंने आप मतलब दुश्मन मर गया, ये हर साल होता है, एक साल नहीं मारा तो बाद में एक बार पत्थर से मारा, फिर बाद में ये बार नहीं जब तंग कर दिया सारा रात बंदूक से मारा, तब भी मारा, तब ये त्यौहार है उसका। और जब ये क्या कहते हो, जब जो कोई इसको तीर जिसका सबसे पहले लगता है ना, फिर वो जो है ना फैला देवता से आशीर्वाद मांगते हैं, कोई पुत्र मांगता है, कोई जॉब मांगता है, कोई जो भी आपकी मन्नत है, तो इस गांव में लगभग 50-60 जो है ना ऐसे पुत्र हुए जो जिनके जिन्होंने जिनके पिताओं ने यहाँ पे हाँ पुत्र दी, तो उसमें से एक मैं भी हूँ, उसके फैला पुत्र बोलते हैं उसको, हाँ तो एक मैं भी हूँ, ये कहानी एक तो ये है। और उस समय गोरखा राज था, तो एक बार गोरखा राज भी आया था, गोरखा राज ये गोरखा उड़िया छुप कहते यहाँ पर छुपे थे, बहुत पुरानी कहानी होता है हमको बुड्ढों को मालूम है, तो गोरखा लोग आए थे तो मलारी से भाग गए थे वहाँ से, उस इस बर्फ तो इस हिसाब से पड़ता था 8-10 फीट तो बर्फ हमने देखे, अब तो कुछ नहीं उस हिसाब से कुछ नहीं है, तो जब बर्फ पड़ता था अन्न होते थे, बर्फ से नमी होता था उससे, उसमें सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, अब तो सिंचाई की तो नए नए तरीके हो गए, अब जिस खेत में आप सिंचाई करो उस खेत में बिगर सिंचाई का काम ही नहीं होता, वही उत्पादन नहीं होता, तो वही वक्त 10 मिनट बर्फ दिख रही, और उसी बर्फ में बुढ़े लोग तिब्बत जाते थे, लगाओ हिसाब से परेशानी की जिंदगी, ये टफ लाइफ थी पहले, और टफ लाइफ, और टफ लाइफ, तो एक स्पॉट ऐसा है कि यहाँ तक कि जब नीचे से आते थे ना, तो जब उन पर वजन होता था 25 किलो 25 किलो, तो कपड़े कपड़े मोटे होते थे, कहीं पर उन पर वो भी लगता था क्या कहते घोड़ों पर क्या कहते डांस, मतलब तक तक करने का नौबत था, तो उनको पहले क्या करते थे वो डब्बा उनके उतारते थे पहले अपने पीठ पर यहाँ से वहाँ तक सामना, क्योंकि घोड़ों को लगने का डर रहता ना, फिर जोतना फिर जाना, ऐसा जिंदगी स्वतंत्र जिंदगी। और एक कहानी ये जो है ना, आप यहाँ से ये देख रहे होंगे ग्लेशियर पॉइंट है ना ये पहले, तो यहाँ क्या था जो हमारे पूर्वज थे, तो गांव में एक वो वाला बताऊँ क्या, माड़े बुड्ढे वाला हाँ, तो जो ये बेसिकली जो गांव है ना ये जो है माणियाओं का, तो जो भी रावत वगैरह जो भी बाद में आए, वो हम भी आए तो बाद में बसे, तो उस समय क्या था कि जो यहाँ के जो माड़िया जो एक हाँ एक बुजुर्ग थे, तो उन्होंने जो है ना गांव के बुजुर्गों को थोड़ा सा उकसाया कि मतलब जो है ऊपर से बर्फ की पूरी वो आ रही है क्या ग्लेशियर आ रही है, तो उसको रोको करके, तो जो समय जो है हमारे बुजुर्ग चले गए इस पे, तो जो है 7 जो बुजुर्ग हैं वो ख़त्म हो गए, तो उनकी याद में जो है ना हर साल अभी 18 तारीख को है जून में, तो हम बोलते हैं लौंड तिलौंड वो करते हैं क्या कहते हैं एक दिन बारी अदला बदली, हाँ बारी अदला बदली भी होती है, और आपका बारी का मतलब ये है कि जो पुजारी गांव में हर साल जो है ना दो परिवार को
नामित किया जाता है कि आपने जितने भी जो है ये गांव के कार्य हैं तो वो आपने करने हैं, मतलब जैसे आपने मंदिर में पूजा करनी है या मतलब जो भी बाहर से कोई मेहमान आ रहा है गांव का तो उनको आपने हैंडल करना है, और मंदिर से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जो भी जितने भी जैसे बैरितों को हो गया, कोई भी आपका पांडव नृत्य हो गया, उसमें सारे राजकार्य उन्होंने करने हैं, हाँ तो वो संभाल लें। तो उस दिन जो है दो फिर चेंज होते हैं, दो नए बनते हैं, तो उसी दिन वो पूजा की जाती है। और उसमें क्या है, उस दिन जो है ना सारे गांव वालों से अपना आटा हो गया, गुड़ हो गया और घी हो गया और क्या तेल, ये सारी चीज़ें अपना अपना शेयर मांगते हैं। और जब मैंने आपको बताया था वो धर्म वहाँ से जब सबको अनाउंस करते हैं उस सुबह वहीं से अनाउंस करते हैं, फिर सब अपना वो सामान लेके आते हैं और फिर जो है ना सारे जो जिस दिन जिसकी बारी होती है जिन दो परिवार की वो यहाँ सारी चीज़ों को बनाते हैं, सारी चीज़ को बनाते हैं, फिर क्या करते हैं एक जब सारी चीज़ बन गई फिर जो है गांव से ढोल दमों के साथ जो बारी के साथ वो भी आते हैं, एक उसमें माड़े बुढ़िया बनाते हैं, उसमें एक आदमी बनाते हैं माड़े बुढ़िया, तो क्या करते हैं ऊपर जो एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर जो है ना एक एक फापर का बना हुआ एक ट्रायंगलर शेप का एक हम उसे वो कहते हैं क्या सिलचुन चौचो बोलते हैं उसको, एक ट्रायंगल टाइप का वो रख देते हैं। तो 50 मीटर पे आपका ढोल दमो के साथ ना चार पांच आदमी चलेंगे तो 50 मीटर पे वो रुक जाएगा ढोल दमो वाला, और जो है उसके बाद जहाँ पे फापर रखा है पत्थर पे तो वहाँ पे चार पांच आदमी घूमेंगे उसको, और जब तक वो पकड़ेंगे नहीं, और साइड में जो है ना हम जो है लड़के कोई भी बच्चे रहते हैं और इसी का जो है ना ये जो ये मिट्टी इसका गोला बनाते हैं, तो साइड में रहेंगे सारे लड़के इधर उधर से, ठीक है ना, इधर उधर से 50 मीटर पे, जैसे ही वो चार लड़कों में से कोई एक उठाएगा, एक ही उठाएगा उसको, और उसको उठा के भाग के उसने ढोल के पास रखनी है उसमें, तो उससे क्या है जब तक वो उठाएगा, उठाने के बाद जो है ना सारे लड़के उस पर ये मारेंगे उस पर मारेंगे, तो उसको बोलते हैं माड़े बुढ़िया, थप्पड़ थुंचम बोलते हैं, तो मतलब जो जो माड़े बुढ़िया ने उस समय जो उकसाया और उससे जो हमारे पूर्वजों की डेथ हुई तो उसको एक एक प्रतीकात्मक ये देखते हैं कि आपने गलत किया तो उस हाँ आपको ये सजाया करके, तो 50 मीटर तक जब तक वो तो ऐसे रेस लगाना पड़ता उसको कि नहीं तो उसे बॉल ऐसे पड़ते, कई बार तो खून भी आ जाता, कई बार तो चाचा ही बने, कभी यहाँ खून कभी क्या खून, कई बार क्या करते हैं बच्चे शैतानी करते हैं तो बच्चे उसके अंदर पत्थर डाल देते हैं ये, फिर पानी से भिगो के करते हैं, फिर बाद में जो है सात जो एक हमारे फैला देव आठ दिया लगाया जाता है एक फैला देवता को, और सात जो है जो हमारे पूर्वज थे उनकी पूजा की जाती है, और फिर जो प्रतीकात जो प्रसाद बनता है ना तो सबको गांव वालों को बांटा जाता है ये घर में। तो ये काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं और अभी भी हम जो है ना जो ये परंपराएं हैं अभी भी हमारी बदस्तूर जारी है, ये सारी चीज़ जिस दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं, फिर बद्रीनाथ ये हमारे फैला देवता के कपाट खुलते हैं, फिर जो उस समय भी ऐसे सेलिब्रेशन होता है, फिर जो है ये पांडव कल आपने देखा हो दानी देवता कपाट खोला, फिर जो है जो भी चीज़ बनी थी वहाँ पर सब गाँव वालों ने इकट्ठा करके रखी थी, वो फिर वहाँ जाके पूजा करी, फिर पांडव कल रात को यहाँ पर पांडव देवताओं की पूजा करी थी उसमें, तो हमने सारे मंदिरों का पाठ करी। अब जो है जो ये पर्सनल मंदिर है मतलब सरनेम वाइज जो है अब इनके भी कपाट धीरे धीरे खुलेंगे, तो ये कमसाली जो है ना एक परंपराओं और एक उसका गांव है, मतलब जो रीति रिवाज यहाँ के हैं और जो हर दूसरे हफ्ते जो है ना कुछ यहाँ पे राजकार होता रहता है, ये कहानी है इसकी। कब तक मैं बता दें हम आपको है प्रीत यहाँ की रीत सरा मैं गीत यहीं के गाता हूँ, गमसाली का रहने वाला हूँ, गमसाली के पास चलाता हूँ, कितना पावन है गमसाली, उगलाता है धूप टकरमासी, नित धूप जला कर फैल को भोग लगा कर मैं नित नित सिर से झुकाता हूँ, गमसाली का रहने वाला हूँ। चाचा जी तो आप पूरब देखो फैला मंदिर, ज्ञान का भंडार उसके अंदर, उत्तर देखो दुर्गा मंदिर, वीणा वादनी उसके अंदर, नित दीप जलाकर आरती लेकर मैं साक्षर ज्ञान कराता हूँ, गमसाली का रहने वाला हूँ। प्राणी मंदिर घंटी बजते उसके अंदर,
काक मुसंडी जैसे मुख्या गैया चलती वहाँ पया पौधों उगा कर मैं पर्यावरण बचाता हूँ। नमसाली करेंगे वाला की बात सुनाता हूँ। नमसाली मैं शिक्षा दान शिक्षित होकर बने महान वीणा वादन जिसके सर देखा हमने बड़े बड़े अवसर चरणों में शीश झुकाकर हरिचरणों में ध्यान लगाकर मैं गर्व से शीश उठाता हूँ। गमशाली का रहने वाला हूँ गमशाली की बात सुनाता हूँ। आज तो देखो हर्षोल्लास एक से लेकर बारह पास हम तुम कॉलेज जाएंगे ज्ञान बढ़ाकर आएंगे ये ज्ञान बढ़ाकर दफ्तर जाकर मैं डिग्री यहीं खुलाता हूँ। गमशाली का रहने वाला हूँ गमशाली की बात सुनाता। गमशाली का फेमस पांडव सिद्ध भोले भी नाचे तांडव मेरा देवा भी प्रसन्न आओ भक्तों कर लो दर्शन दर्शन पाकर धन्य समझ कर मैं भगत भी नाचा जाता हूँ। भगत मतलब चाचा का नाम है भगत सिंह रावत। अपर की हमारी कॉलेज चली हम अपर था पहले। अब उस समय दुर्भाग्य ये हुआ कि उसमें रोड नहीं था यहाँ साइंस लैब भी आ गया था इंटर कॉलेज आपका वो गया था अपर यहाँ था पूरा अपर था यहाँ भी अपर था बम्बा अपर था। गमशाली आने से पहले आपने देखा होगा बड़ा सा एक वो था पुल जिसमें कंस्ट्रक्ट उससे थोड़ा पहले जो है ना राइट साइड में आपने तो वो देखा होगा कुछ मकान देखे होंगे स्कूल वो ही था स्कूल पहले। दुर्भाग्य दुर्भाग्य ये हुआ कि उस समय जब मोटर रोड नहीं था तो साइंस का भी क्लास नहीं लगता था लेकिन साइंस का चीज़ नहीं आने से तब दो पार्ट में बट गया यहाँ आई साइड वाई इधर और तब बाकी साइंस और नीचे क्या कहते हैं वहाँ गए थे नेहरू साहब मिले थे इंटर कॉलेज पान सिंह जी की पान सिंह जो चला गया पंपाल जी जो आपने बड़ा मकान देखा था उनका उन्होंने यहाँ जो है ना स्कूल लाने में काफ़ी मतलब पूरा सहयोग उनका रहा यहाँ स्कूल छोटे लोग बहुत सहयोग कहते भले मतलब अनपढ़ थे हो लेकिन क्या कहते हैं समझदार थे आगे की सोचते थे आगे सोचते थे जब जाके बोले बल्कि हमारा अपने यही चीज चला अब तो कुछ नहीं है अब तो अपन हो गए सब हो गया चलिए कहानी है अब कहानी दादाजी सब ठीक। अभी चाचा जी के बारे में बता दूँ एक बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ना एक मूवी गई है शॉर्ट फिल्म गई है पाताल ती करके हाँ तो पाताल ती में ये जो है ना दादाजी का रोल इन्होंने किया था और जो लोकेशन थी वो इसके ऊपर थी यहाँ का लोकेशन है हाँ तो पाताल ती की कहानी ना आप एक बार चाचा जी से सुनिए क्या दादाजी बुड्ढा परेशान रहता हूँ ना देखो कहते हैं पानी पताल जी पानी ले आओगे पताल ती का मतलब हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं पानी भोटिया भाषा हाँ जो भोटिया भाषा है हमारी तिब्बत पाताल का पानी चाहिए मतलब पोते को दादाजी को चढ़ाने के लिए तो उस पे बेस्ड एक कहानी है ताकि मतलब दादाजी को मोक्ष मिले तो वो जो है हाँ मेन जो बच्चा कलाकार था वो माड़ा का था और जो दादाजी थे वो ये यही पूरी शूट हुई है यहाँ से हाँ कुछ उधर का है लेकिन यहाँ से पूरा उसमें गए हैं यहाँ से ऊपर टॉप जाओ ना ऊपर टॉप जाओगे ना पूरा आपका दिखता है पूरा रास्ता मेरा सब दिखाई देता है टॉप पे हाँ यहाँ से ऊपर यहाँ से ऊपर जाते हैं जब हम पांडव नृत्य होता है ना हमारा तो उस समय क्या होता है यहाँ से ऊपर ब्रह्म कमल दिखता है ब्रह्म कमल तो जब पांडवों को चढ़ाने के लिए और ब्रह्म कमल के लिए दो बंदे यहाँ से जाते हैं जो कि बारी होते हैं ना उनकी जिम्मेदारी होती है तो दो लड़के वो रात को जाएंगे और सवेरे दिन में लेके आएंगे इतना दूर है हाँ दो यहाँ जाते हैं दो वहाँ जाते हैं उसके ऊपर ये आपको अभी लग रहा होगा ना टफ है तो लेकिन ऐसे टफ रास्ते जाते हैं इससे ऊपर जो है ब्रह्म कमल इससे ऊपर मिलते हैं ब्रह्म कमल यहाँ से ऊपर तो ब्रह्म कमल मैंने देखे थे हेमकुंड से पहली बार देखे हाँ तो वो यहाँ मिलते हैं वहाँ मिलते हैं तो दो यहाँ से जाते हैं दो यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से ऐसे ही पहाड़ों पे जाने का आप जो है ना आप ये देख रहे हो ये स्टीप देख रहे हो तो ये जो है ना ये पहुँच में और यहाँ जो है हमारी एक जड़ी बूटी होती है जो कि आपने फरन सुना है फरन जम्बू फरन तो जैसे जीरा का तड़का मारते हैं ना वैसे उसका तड़का मारते हैं तो वो इन चोटी के ऊपर मिलती है ये चढ़ने में धीरे धीरे यहाँ चढ़ते हैं यहाँ से स्टीप दिख रहा है ना वहाँ के लेकिन वहाँ थोड़ी सी प्लेन होती है हम जैसे हाँ कितने दिन में चढ़ जाएंगे आप तो सुबह जाएंगे तो कम से कम 6 बजे जाएंगे तो 12 बजे
आधे दिन में चढ़ जाएंगे, आधे दिन में आ जाऊं बोलो चढ़ जाएंगे। अरे चढ़ने की सोचना है बस, प्लेन से जाने वाले हैं, इस पार नहीं चढ़ पाओगे। या भाभी मैं जाऊंगा, हमारे और साथ हैं आशे, तो आप जो लकड़ी के बोल दिया आपने। हां फिर तो आऊंगा मैं दोबारा। लेकिन जो है ना ये पुराना जो है, पुराने वाले मकान, पुराने मकानों पे रहते थे ये, एक जो है ना बीच में जो मोटा पिलर रहता है ना उसको सपोर्ट के लिए। अच्छा हाँ, लग चक्की रहा, चक्की जैसे भी लग रहा है। एक बार चाचा जी पूछ, चाचा जी अरे चक्की का है, किसका है? मेरे को तो यही नॉलेज है, हमारे घर पे भी है ना चक्की पुरानी घर की, तो उसमें है क्या है ये चक्की का? ये जो पत्थर लगा पहले, सुनो पहले इसी से पिसाई होती थी। हाँ। अच्छा पिसाई का चक्की हो, हमारे घर में भी है। तो यहाँ अमूमन जो है ना पुराने घरों में ये ऐसे लटकाते हैं, और इसी के ऊपर मेन, उसके ऊपर ताकि नजर लगे। अच्छा नजर नहीं, मैं सोचता हूँ उसके लिए बेसियल है, उसके लिए क्या कहते हो जो बीच उस पिलर है ना उसको सपोर्ट के लिए। मैं ये सोच रहा हूँ हमारे पे भी है ना, उसके बाद घाट बनाओ, पानी घराट भी था नीचे नदी, लेकिन टूट गया वो। तीन चार हमारे तो मानो घाट था ऊपर। ये हमारा मिल गया, ये हमारे लामा जी है। कितने साल हो गए लामा इसको मकान को? ज्यादा हो गया होगा, 84 तो हमारा हो गया, 84 तो हमारा हो गया। ये है दो, एक अंदर एक बाहर। अभी जो हाँ ये बहुत बड़ा है। अभी जो है ना इस पे इन्होंने पिछले साल दो तीन साल पहले ही किया है सीमेंट प्लास्टर ऑफ पेंट। हाँ अंदर दिखा दो, अंदर है तीनों, ऊपर आओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, ये ऐसे होते हैं ना मकान। ये यहाँ से आप जो है ना यहाँ से लगभग लगभग यहाँ जाके सारी हमारी जो वो थी पुरानी मकानों की जो श्रृंखला थी वो पूरी हो चुकी है। अब चलते हैं स्टेशन की तरफ, किधर घूमती रहती हूँ मामा रहते हैं मामा। हाँ ये टूरिस्ट है ना, तो मैं बोला गांव दिखा देता हूँ इनको, गांव के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत। हाँ गैस खत्म हो जाता है इससे बढ़िया पानी नीचे है पुल के पास, जो पानी पहले वहाँ पे एक अच्छा स्रोत वो था ना, ये ऐसी धारा, लेकिन वो टूर कंपनी ने सब तोड़ फोड़ दिया ना, रोड चौड़ा कर दिया ना। माणिया मंगर बोलते हैं जो लोकल माणिया का गांव था ना, उनका वो नल वो भी था, नल भी था, तो काफी मीठा पानी होगा। तो ये तो रहा लगभग लगभग हम जो है ना गांव को एक्सप्लोर लगभग लगभग कर दिया, जो भी कहानी थी अभी हो सकता है कुछ कहानियां मैं वो किया नहीं, स्किप हो गई हो या अभी उसमें आया नहीं, लेकिन जितना भी हमने आपको एक्सप्लोर कराया तो आपसे मैं एक रिव्यू लेना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस गाँव के बारे में थोड़ा बताएँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते हैं, पहला पॉइंट जो मतलब ये भी गांव की ब्यूटी है इसके बारे में नहीं बताता, पहली चीज़ ये है कि कभी भी कोई बाहर से बंदा आता है, जैसे हम आए हमें इस गांव के बारे में पहली बार अंदर जा रहे हैं, हमें सारी चीज़ों का नहीं पता, रास्तों का नहीं पता, क्या क्या चीज़ अच्छी हैं देखने लायक वो नहीं पता, तो एक अगर लोकल बंदा या लोकल गाइड मिल जाए वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ज़रूरी भी होता है, जिससे तुम अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो उस एरिए को जहाँ पर भी आप जा रहे हो। इस गाँव की बात करूँ तो मेरा जो असली घूमने वाले बंदे होते हैं, जैसे कि क्या होता है ना कुछ लोगों को होता है भीड़ पसंद है, मतलब कि मार्केट जाना पसंद है, मार्केट तो हम मैदानी एरिया में भी जा सकते हैं, घूमने वाले हमें
चाहिए होता है कि शांत जगह हो, अच्छी जगह, ब्यूटी हो वहाँ पर, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी जगह है, एकदम शांत माहौल, लोग बाग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, ब्यूटी तो चारों तरफ है यहाँ पर। आगे बुग्याल गए तो बुग्याल भी ब्यूटीफुल है, तो मतलब एक गांव के लिए गाइड का स्कोप बनता है यहाँ पे ना, एज ए रोजगार समझ लो। यहाँ पे काफी स्कोप है यहाँ पे, मतलब कि जो मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल व्यू है ये है, अभी ये जगह इतनी फेमस नहीं हुई है, लेकिन धीरे जब ये फेमस होगी तो यहाँ पे बहुत काम, मतलब कि टूरिस्ट आने वाले, तो फिर जो है उससे अव्यवस्था ही फैलेगा, अगर हम अभी तैयारी नहीं किए तो एक अव्यवस्था उस समय रहेगी। यहाँ पे जरूरी है कि एक तो होम स्टे का कल्चर थोड़ा बढ़ जाए घर के, एक तो होता है कि मतलब कि वैसे बाहर लॉज टाइप या वैसे बना दे, एक होता है घर फैमिली के साथ रहना, तो होम स्टे का कल्चर यहाँ पर बन जाए तो बहुत अच्छा, फैमिली के साथ रहते तो जैसे कल हम दो दिन से आंटी के साथ रह रहे हैं, आंटी का तो उनके साथ रहने का मतलब एक फैमिली वाला फील आ जाता है कि उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, फिर अपने बारे में बता रहे होते हैं कि छः महीने कैसे भाई यहाँ पर काम करते हैं, फिर नीचे कैसे जाते हैं, तो एक यहाँ के बारे में पता चलता है, तो होम स्टे का कल्चर बढ़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम आते हैं तो थोड़ा सा अच्छा माहौल मिल जाएगा। अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो आज जैसे आपका रिव्यू है, एक जो है टूरिस्ट गाइड जो है ना, उसकी वो क्या कहते हैं एक जगह बनती है, तो उसी सिलसिले हमने जो है अपने छोटे भाई को यहाँ जो है ना ये अपने साथ लेके आए, ताकि ये जो है चीज़ों को समझे। तो वासु बताओ कैसे एक्सपीरियंस रहा आज का, आज को आप करा सकते हो अगली बार जो भी आए, करा सकते हैं ना, तो ये ऐसी पीढ़ी हमने तैयार करनी है, ताकि जो है टूरिस्ट जो आए उनको जो है भटकना ना पड़े। जरूरी है, जब हम आए थे तो हम आए अराउंड शाम के छः बजे के आसपास आए थे, तो उस समय हम मेन, क्योंकि मुझे मैंने ये वीडियो यूट्यूब से देखी थी, यूट्यूबर का एक उस पर देखी थी, तो मुझे पता चला था गमशाली अच्छी जगह है, तो मैं रुक तो इसी वजह से गया था कि हाँ यहाँ पर रुकना है, बट जब मैं बस स्टॉप पर यहाँ पे जो स्टेशन है वहाँ पर रुका था, तो इतना अच्छा रेस्पॉन्स वैसा वाला नहीं मिला, सबने ऐसा बोला था कि यहाँ होम स्टे सारे मतलब भर गए, मतलब जगह नहीं है रुकने की, और अंदर गांव में कोई नहीं देता है, तो एक मन ऐसा हो गया था उस टाइम कि शायद हमें यहाँ पर रुकने की जगह नहीं मिलेगी, तो हमें शायद आगे चलना चाहिए, लेकिन फिर अच्छा हमें आंटी मिल गई थी, तो आंटी ने हमें, तो आपने तो चलो काफी अंदर आ गए आप, तब जाके आपको मिला, लेकिन भाई जैसे लोग अगर यहाँ पर पहले से रेडी रहे जो बता पाए कि भाई नहीं हम यहाँ पर रुक सकते हो, यहाँ घूम सकते हो, अच्छी अच्छी जगह, तो इजी हो जाएगा यहाँ पर जान, एक तो हम लोगों के लिए जानकारी बढ़ जाएगी और इजी हो जाएगा हमारे लिए, इजी हो जाएगा। हाँ, एक गांव की एक जो इससे पहले आपको मैंने पहले बताया था, कई लोग यहाँ घूमते रहते थे ऐसे ना, तो कोई जो है हर कोई अब बिजी है यहाँ, जो है हर कोई बिजी है लगभग, अपने खेतों में बिजी है या हर किसी काम में बिजी है, तो हमने ये सोचा जो भी टूरिस्ट एक्सप्लोर करने आ रहे हैं तो उनको सही जानकारी मिले। और जब यूट्यूब में हम देखते थे गाँव आते थे लोग तो एक कोना पकड़ लिया, दूसरा कोना पकड़ लिया, तो उल्टा सुलटा रिव्यू भी दे देते थे, ऐसा नहीं है कि गाँव के बारे में या नीति वैली के बारे में हर कोई अच्छा दे रहा है। तो जैसे कोई ढामरसैण गया, वीडियो बनाई, तो वो आधे रास्ते से नीचे आ गया, उसने बोल दिया यही ढामरसैण है, यही ट्रैक है, कई सारी चीज़ें हैं। गांव में आया तो एक गली चला गया, एक टूटा फूटा मकान दिखा दिया, यही हो गया, जबकि मैं आपको जो आपको गांव दिखाया हूँ मैं जहाँ जहाँ, वो विशाल जो घर है ना, वो उनको तो किसी ने टच नहीं किया है, और वो केवल जो है मूवी जो है ना, जो आपको जो शॉर्ट फिल्म्स बनी है ना और म्यूजिक ये बनी है क्या कहते हो एल्बम्स, उसमें है, लेकिन किसी भी उसने एक्सप्लोर क्योंकि वो रास्ते जो है ना थोड़े से डिस्टर्ब करते हैं, मतलब वो एग्जैक्ट नहीं है कि कहाँ जाए, सीधे सीधे रास्ते नहीं। हाँ, तो साल डेढ़ साल में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और इस पर हम काम करेंगे, और एक हमारी टीम है गाँव की टीम गमशाली, उसमें लगभग 150 लोग हैं, तो हम इस पर काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जब भी आप आओगे एक डेढ़ साल के अंदर जो है ना गांव की हम थोड़ी सी बुनियादी चीज़ें ठीक करेंगे और मंदिरों का थोड़ा सा एक ब्यूटिफिकेशन करेंगे और रास्तों का, और ये जो होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम जो है ना साल डेढ़ साल के अंदर बढ़ाएंगे, कुछ ऐसे पुराने घर हैं उनको तैयार कराएंगे और उनको मनाएंगे लोगों को कि आप जो है ना ऐसे जो युवा लड़के हैं अभी कई और हैं जो नौ नौ दस हज़ार की जॉब कर रहे हैं बाहर, तो कम से कम यहाँ आए और यहाँ चीज़ों को छः महीने एक्सप्लोर करें। अब वो वाइब्रेंट विलेज के तहत ये जो है ना 12 महीने खोलने के चक्कर में है, और ये जो बॉर्डर एरिया है इसको भी खोलने के चक्कर में है, तो गवर्नमेंट अगर ऐसा कर रही है तो उसको हमने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के तौर पे लेना है, और अगर हम अभी तैयारी नहीं करेंगे तो एक दो साल में तो वैसे भी मतलब ये बॉर्डरेशन हो ही जाएगी,
तो अभी तैयारी करेंगे तो हम जो है उसको अचीव कर पाएंगे। ये हमारा आज का वीडियो बनाने का ये मकसद है। तो एक रिव्यू मैं और लेना चाहूँगा आपसे, जो आपने जो हमारे गांव के पुराने भवन देखे तो उनमें कितना स्कोप है कि मतलब एक टूरिस्ट को अट्रैक्शन करने के लिए कितना स्कोप है? जिस तरीके यहाँ पर ये पुराने घर है ना, जैसे हम सुनते हैं मतलब कि मनाली साइड हम बोलते हैं कि अगर ओल्ड मनाली जाओ तो आपको पुराने घर दिखाई देंगे, ठीक है। वहाँ पे भी गए मतलब काफ़ी मैं घूमा हूँ उस जगह भी। यहाँ के जो पुराने घर दिखे यहाँ की भी ब्यूटी एक अलग है, बहुत ज़्यादा अच्छी ब्यूटी है, पुराने घर बहुत अच्छे हैं। तो टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन यही है, एक तो यहाँ पे की पहाड़ों वाली ब्यूटी, यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है, प्लस यहाँ के जो पुराने घर हैं वो अट्रैक्शन वाला पॉइंट है। तो अगर कोई टूरिस्ट आता है ना तो इन घर को देखना तो जरूरी बनता है कि इन घर को तो देखें, जो पुराने घर बने हैं जरूरी देखने चाहिए। थोड़ा सा मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरे करने पड़ेंगे, जैसे थोड़ा बहुत बेड वगैरह, थोड़ा बहुत पेंटिंग वेंटिंग अंदर का, और बेसिक चीज़ें टॉयलेट लेटरिन बाथरूम वो चीज़ें, क्योंकि कोई भी पहाड़ों पर आ रहा है तो ये तो सोच के नहीं आएगा। अगर कोई सही मतलब टूरिस्ट है उसे समझ में आता है कि भाई हम पहाड़ों पर जा रहे हैं, फाइव स्टार वाली फैसिलिटी तो कोई भी नहीं सोचता कि मैं मिल गई। एक सिंपल मतलब एक सिंपल सा सोने के लिए जगह मिल जाए, लैट्रिन बाथरूम नहाने के लिए जगह मिल जाए, बस यही काफ़ी है। अच्छा भाई मैं आपसे एक थोड़ा सा वो भी रिव्यू लूँगा, मैं लेकिन मैं पैसे नहीं लूँगा बिल्कुल भी। ये हमारा है, अगर जैसे आपको हमने ट्रैक कराया, ये एक्सप्लोर कराया, अगर एक मेहनताना जिसका होता है तो वो आप कितना मतलब होना चाहिए, ये एक थोड़ा सा हमें ना माइंड मेकअप हो जाएगा। इसमें पता क्या होता है, इसमें दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक आपकी मेहनत देखनी पड़ेगी और एक सामने वाला जो टूरिस्ट है उसका फाइनेंशियल कंडीशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कुछ टूरिस्ट होते हैं कि टाइट पॉकेट, जैसे मेरा मैं अभी आपको रियलिटी बताऊँ, 2 महीने से अभी इलेक्शन की वजह से काम थोड़ा डाउन था, लेकिन फिर मुझे घूमने का थोड़ा शौक था, मैं अभी आया हूँ घूमने, तो इस समय मैं आया हूँ थोड़ा टाइट बजट के साथ कि घूमना है लेकिन बजट चाहिए घूमना है, ठीक है। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, जैसा आपकी मेहनत देखी जाए और सामने वाले बंदे का हिसाब देखा जाए, तो ये अगर टूरिस्ट गाइड का अगर गांव को एक्सप्लोर कराना और उसको भी एक्सप्लोर कराना जो नहीं, जैसे मतलब वो वाला गांव का एक्सप्लोर कराना है, तो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, हो सकता है गलत भी हो सकता है सही भी हो जाए, मेरे ख्याल से जैसे आपका हाफ डे पूरा लग गया है, ठीक है, 300-400 रुपये के आसपास आराम से हो जाता है, हो जाएगा ना 300-400 रुपये मिनिमम है, ठीक है, जो मिनिमम लगता है वो डिपेंड करता है फिर टूरिस्ट पे भी। अगर भी टूरिस्ट के मतलब थोड़ा सा सही कंडीशन नहीं, जैसे टूरिस्ट अभी आप सिंगल हो तो टूरिस्ट अगर 3-4-5 हो तो उस हिसाब से उनसे फिर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उनको कॉन्टेक्ट करने में थोड़ा आसान होता है। यहाँ पे क्या है कि अगर एक ही बंदा है तो उससे सिंगल को पे करना है, लेकिन अगर बड़ा ग्रुप है तो उनसे कॉन्टेक्ट करने में आसान है, तो उनसे ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। प्लस अगर बुग्याल करते हैं तो बुग्याल वाला थोड़ा सा उसके ज्यादा चार्जेस बनते हैं, क्योंकि वो काफी टफ है, एक तो टाइम है, पूरा दिन लगेगा और चलना फिरना टफ है, तो उसके चार्जेस थोड़े ज्यादा है। फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसकी, कुछ चीज सेफ्टी की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर ये है कि मतलब सिंगल ट्रैक न करा के मतलब एक ग्रुप बना दे, एक दिन रुक के, दो दिन रुक के, तब तक गांव में रहे, तो एक ग्रुप बना के दो तीन, फिर जाके थोड़ा सा, या अगर सिंगल बंदा ही अगर उतना तो बुग्याल का कितना हो सकता है, अगर बुग्याल का अगर वो देखो, अगर सिंगल बंदा जा रहा है, जैसे एक बंदा, जैसे दो हम दो बंदे हैं, अगर मिनिमम अमाउंट बताऊँ तो साथ में कोई बंदा जा रहा है सारी चीज करवा रहा है तो उस हिसाब से 1000 रुपये के आसपास बन जाता है, लेकिन ग्रुप है तो उसी साथ बढ़ा सकते हैं पैसे, लेकिन वही है फिर से कंडीशन आ जाती है, देखो दोनों पार्टी का सोचना पड़ेगा, आपकी मेहनत भी सोचनी पड़ेगी और सामने वाला जो टूरिस्ट है उसका भी सोचना पड़ेगा कि वो किस बजट में आ रहा है, आया है घूमने, तो वो बार्गेनिंग का ऑप्शन रह जाता है, बार्गेनिंग तो नहीं। फिर ये चीज़ें हमें जो है ना एक्चुअली जो है इसलिए हम रिव्यू ले रहे हैं, ये चीज़ें जो है एक, क्योंकि हमने इसको एक उन्नत गाँव बनाना है, अपने हमें कोई सरकारी हेल्प मिल नहीं रही है और हम अपनी जो टीम है जो उसके तहत जो हम काम करके गांव को एक उन्नत बना रहे हैं ताकि ये रोज़गार परक के गांव बने, तो उस बेस पे हम ये रिव्यू ले रहे हैं कि ताकि मतलब हौच पौच ना हो, कोई बोल दे भाई बुग्याल के लिए हमें 3000 चाहिए, कोई बोले 1000 रुपये चाहिए, और कोई बोले भाई मेरे को गाँव को एक्सप्लोर कराना है तो उसमें 1000 रुपये लगेंगे, कोई बोल देगा तो इस चीज़ की क्या है, हमें जो है ना उसको एक बायलॉज बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, भाई आपको गांव घुमाना है और मिनिमम जो है ना 1 घंटा घुमाना है, अभी क्योंकि मैं हम तो वीडियो बना रहे हैं तो उससे टाइम लगता है, लेकिन जब आपको मैं घुमाऊंगा अकेले बिना वीडियो के तो मैं आपको 1 घंटे में पूरी कहानी के साथ कवर करूँगा, जो मैंने कल घुमाया था जिनको फैमिली थी
उनको एक डेढ़ घंटे में मैंने पूरा एक्सप्लोर करा दिया। आज मैं वीडियो बना रहा हूं पैसों के मामले में, वो कहीं पे भी रूल ये लागू होता है कि अगर आप किसी भी चीज में जेन्युइन अमाउंट रखते हो जो सामने वाले को भी जायज लगता है, हां वो चीज में ये हेल्प मिलती है, रिव्यूज जो है और इस चीज में हेल्प मिलती है, तो उससे ना काफी टूरिस्ट को भी अच्छा लगे कि हां ऐसा फील आता है कि हम जेन्युइन अमाउंट मांग रहे हैं, तो वो भी घूमना मतलब ऐसे फिर है ना गाइड को लेना भी पसंद करे, घूमना भी पसंद, क्योंकि आपको पता है आजकल तो यूट्यूब का जमाना है भाई, वो तो रिव्यू दे देते हैं कि भाई गांव वाले तो लूटते हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो, तो चीज़ें जो है ख़राब होती हैं, तो हम यही चाह रहे हैं कि एक जब हम कोई टीम बनाएं और व्यवस्था बनाएं, तो क्योंकि भवन मालिकों से ही बात करनी पड़ेगी, कुछ इन्वेस्टमेंट उनमें डालना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें अब जिसके मकान है हो सकता है वो नहीं कराना चाहे, तो हम बोल सकते हैं भाई हम किराया दे देंगे आपको, इस पैसे हम फैसिलिटी दे रहे हैं, उनमें लगाना पड़ेगा कुछ पैसे, तो हमारी टीम लगाई या कोई और लगाए, तो जो रेट है ना रेट को जायज रखना और एक समान रखना और हर किसी के समान ये करना, इसके लिए हमें जो है ये हमें नॉलेज चाहिए और जानकारी चाहिए, तो इसी के लिए आज की हमारी जो वीडियो थी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने हमें सहयोग दिया, और नमस्ते बहन जी, आप अगली बार ज़रूर आइए, और हो सकता है साल डेढ़ साल में हम जो है ना गाँव को तैयार कर लें, दो साल तीन साल जो भी लगे, तो काफी अच्छी फैसिलिटी आपको मिलेगी यहाँ पे, टूरिस्ट पॉइंट वाले भी आप बता सकते हो, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे मेन कोई भी मतलब फैमिली वाला भी बंदा भी जा सकता है, उसके अलावा कोई ज्यादा अच्छा ट्रैकिंग जिन्हें शौक है, बहुत अच्छा शौक है ट्रैकिंग करने का घूमने का, तो जैसा आपने बोला कि ऊपर पे भी जा सकते हैं, या वो तो उसमें फिर हम जैसे बंदे बढ़ेंगे हमारे, तो कई गांव से अभी जो बाहर जॉब कर रहे हैं वो आएंगे, अगर कम संख्या से कर रहे हैं तो उसके अच्छा यहाँ एक्सप्लोर कर अपने गाँव को, तो ऐसी चीज़ें, तो आज वासु भी साथ में है, तो हो सकता है तो वासु काफ़ी हेल्प मिली होगी आज तो, नहीं तो कॉन्फिडेंट हो आप कर पाओगे ना, तो एक तो भाई हमारा तैयार हो गया, और ऐसे ही जो है धीरे धीरे एक टीम बनती रहेगी, और गांव को उन्नत करने और सुदृढ़ करने के लिए एक ये हमारा प्रयास है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और टिल देन सी यू, टाटा एंड गुड बाय।